मेरे पापा एक्सपायर हो गए। मुझे जब भी एहसास नहीं हुआ था कि मेरे पापा खत्म हो गए। अब रो ना, जो हो गया तो बीत गया, वो बीत गया, एक दौर था, वो मैं यूं चला सोचूं गया। कि मैंने अपने पापा के साथ कितने पल बिताए। इस बात का मुझे दुख है कि लास्ट टाइम तक भी मेरे बाप ने मिलन नहीं दिया इन्होंने। वहां जाके बॉडी आई नहीं थी मेरे पापा की, एक्सीडेंट केस था। तो जब मेरी, मैं बताना नहीं चाहती थी सोशल मीडिया में, पर इतनी घटिया हो ना तुम, इतनी घटिया हो, भगवान करे इसी ननद किस्से का भी ना हो। मन है भाई बहन की, सबकी लड़ाई हो, हमारी भी हो है, हाँ हमारी भी खूब हो है, पर अनु चाहे अगर हमारा भाई सब तक बढ़िया, सब तक ऊपर हो, बराबर प्राइवेट स्कूल में फीस कितनी जाया करती। उस टाइम पे मैंने अपनी टोम भी बेचनी पड़ी थी। वो तब भी नहीं आप सोच, चलो 10,000 ले लो बेटा, 15,000 तेरा खर्चा चल जाएगा। पता है क्या है, मैंने ये सोचा था कि चलो भाई एक रसोई का भी खर्चा अगर वो पुगा देते ना, बहुत तो बड़ी मेरे बात थी बहुत वो। तसल्ली होती कि चलो मेरे बच्चे, मेरे लिए ना, मेरे बालक ताई तो कुछ कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने आज तक कुछ नहीं करा। चलो मैं कभी सीरियस मारे आपका भाई, चलो एक तो नॉर्मल मारे भाई, एक सीरियस होया करो भाई, लठ मार दिया, लाठी मार दिया, कुछ और। देखो वो पिटना तो बहुत बहुत हुआ है, बहुत ही हुआ है, कि अगर कोई नॉर्मल हो तो मेरे तो विचार भी ऐसे आए करते कि मैं मर जाऊं। जब चुगड़ देने बैठा करते ना, यहाँ सासू, यहाँ ननद, यहाँ मेरा आदमी, सब टॉर्चर करया सब, कर, हाँ सब यही उलाहने ताने, इसने यू काम ना करा, इसने यू ना करा। आज वही ननदोई है जो यूं हाथ पे हाथ धर के बोलता है कि मैं तो जी कविता की पूछ हूँ, जो कविता कहेगी मैं तो वो करूंगा। उन्हें तो लग मतलब रहा मेरी है ननद कहेगी मैं तो वो वो ही करेगा। करूंगा। अपने नया स्टार्टिंग बढ़िया कर दिया आपकी, उस टाइम पर आए थे आप, एक की तो शादी नहीं हो रही थी, एक की मेरा शादी हो। नणदोई, दोनों ही देखो, मैं उन्हें गलत नहीं बताती, दोनों तो जन। आपकी एज कितनी थी आपकी उस टाइम पर शादी हुई? 16 साल थी। 16 साल की चलो थी। आप आए, आपकी सास थी, ननंद थी, ना लगे भाई 16 साल की है, इसने किए बेरा बेचारी, ना काम नहीं आंदा हुआ, काम सिखाया दिया, एक पता बेटी है जा क्या, रखा। ये बात वो है कि बहू चाहे 16 की हो चाहे 15 की, उसने सिर्फ बहू के नजरिया तो देखेंगे। चाहे उनकी बेटी 22 साल की भी उनकी शादी होगी, उसने भी कहेंगे बालक। हाँ हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना, शायद दर्शकन सुमित लाल की ओर, राम राम, तुम्हारे साथ देख लाएगा रुख रही जो चाह रहा मैम ना, बहुत पहले जानो वीडियो, बहुत ज़्यादा शेयर करो, मतलब बहुत अच्छा कंटेंट बना हुआ है। आजकल कंट्रोवर्सी भी चल रही है भाई, फैमिली की फैमिली में हर चीज़, मतलब हर गलत चीज़ हो रही है कि भाई किसी की सास गलत नहीं बनती, किसी की बेटी गलत नहीं बनती, लेकिन मैम ने भाई सब आगे बताया भाई की दिक्कत है हमारे परिवार में, तो सारे पूछा भाई कि मतलब कि फैमिली में दिक्कत चल रही है, ननंद गल है, हस्बैंड गल है, ससुर गल है, तो कैसे वीडियो की स्टार्टिंग करी, तो एज कितनी आपके, सबके कमेंट अभी एज में बहुत बड़ी है, इनको भाई छोटी ही है, तो सारी पूछेंगे। तो मेरे साथ है वीसी डागर, तो मैं सबसे पहले राम राम और स्वागत है हमारे चैनल पे, राम राम, कैसे हो? बढ़िया। हाँ लग रहे आपके स्माइल को देखे, फेस को लेके, तो सारा दिन ऐसा रहा है क्या, आजादी सा है? नहीं, थोड़ा सा ना टेंशन टेंशन में ना, तो बीपी भी हाई हो रहा मेरा, कुछ हाँ माइग्रेन है, उसकी वजह से ना थोड़ा सा दिमाग तो खराब हो मतलब ही एक जाता हरियाणा है। ना बीमारी का घर हो रहा है, हाँ तो स्टार्टिंग दे चीज या वो ही है। ये अभी हुई है, ज्यादा पहले नहीं थी कुछ भी हाँ ऐसी। थोड़ा सा घर में ये जो टेंशन चल रही है आपने बेरा ही हाँ है, और तो उसकी वजह से बीमार रहने लगी। मैम वीडियो बनाओ, आपके फैन हो रहे बहुत ज़्यादा, हरियाणा में नहीं, दिल्ली में भी हैं, पंजाब में भी, कहाँ मेरे पास लोकेशन बता दो, 24 घंटे वहाँ मिलूंगी। हाँ, ये उजवा गांव में नजफगढ़ के पास है, हाँ मेन स्टैंड पे हमारी दुकान है सूट की। और जैसे आप उजवा में एंटर करोगे ना, तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसके सामने ही है हमारी एनी टाइम दुकान। 24 घंटे कोई भी आओ, हाँ जेंट्स लेडीज या कहीं पर भाई मिल जाए भाई, जेंट्स क्यों बोल रहे मेरे गल है। नहीं, वो जेंट्स अपनी बहू की गला आवे है ना सूट लेना है। हाँ अब कोई आवेंगे तो सूट लेने आवेंगे दुकान पे, तो हाँ कोई वैसे तो आवे नहीं, ठीक हाँ है। और भाई देखो, जेंट्स अलाउड है तो वो अपनी बहू के साथ है, वैसे वैसे अलाउड नहीं है नहीं। क्यों? चलो वीडियो बनाओ ना, एक एज फैन बोल नहीं पड़ा है, वो फिर भाई हम जिसने जानते होंगे, हम उसने ही तो अलाउड करेंगे। अब नहीं ऐसे ही फैन तो अनजाने भी हो नहीं भाई। चलो मैं लोग सड़क पर जा रहे मिल गया, मैम आपकी वीडियो देखूँ, अच्छे लगे फोटो, वो फिर बात अलग है, लेकिन फिर भी एक गांव का माहौल है, हाँ उसमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अब हम सोशल मीडिया पे है भाई, हमारे दोस्त भी बन रहे हैं, भाई भी बन रहे हाँ हैं, हर चीज़ है, लेकिन हम उन्हें जाना है, कई साल तक जाना है। और हाँ सोशल मीडिया पे मैं आज से तो हूँ नहीं, मैं टिकटॉक के टाइम से हूँ मैं। टिकटॉक पे थे आपके हाँ जी, कितने थे टिकटॉक उस पर पे, मेरे 3 लाख के करीब थे। के कंटेंट था, मतलब मेरा ज़्यादा कॉमेडी का रहा करता, फैमिली का रहा करता, खुद की वॉइस पे? खुद की वॉइस ज़्यादा रहा करती। और मेरी फेमस भी ज़्यादा, मतलब वायरल जो थी वो मेरी खुद की वॉइस हुई थी। मेरा बेटा उस टाइम पर छोटा था जब हमने ये वीडियो बनाई थी, पन्नी फेंको थैला ठालो, कई साल पहले की बात है, आज ये तो थी 2018 की।
लॉकडाउन का शुरू उससे स्टार्टिंग? पहले, अच्छा हाँ, हाँ उससे पहले। और बात यह थी कि पहले तो मैं लुक लुक का वीडियो बनाया करती, ऐसे मैंने तो क्यों पता नहीं था। पता नहीं था उन्हें, उन्हें अच्छा नहीं लगया करता। जो भाई हमारा कुनबा है ना, वो ऐसा है कि उन्हें जो लेडीज़ है वो ना तो कैमरे पे आनी चाहिए ना वो वीडियो बनानी चाहिए, कुछ ऐसा नहीं है। सिर्फ मैं अपने कुनबे में एक अकेली थी जो मैंने इतना शौक था कि मैं कैमरे पाऊँ, वीडियो बनाऊँ, ये करूँ वो करूँ। तो पहले तो मैंने मतलब छुप छुप के वीडियो बनाई, जैसे मेरे हाँ, हस्बैंड ड्यूटी चले जाया करते। गवर्नमेंट जॉब पे आपके हस्बैंड हाँ है, जी, मतलब लव मैरिज, अरेंज मैरिज आपकी? अरेंज है। नहीं, चलो लव मो आ कर भाई, वीडियो सब सपोर्ट कर, लेकिन अरेंज में भी आकर कर हस्बैंड देखे सपोर्ट कर अपनी वाइफ ने, आपके हस्बैंड क्यों नहीं किया करते? वो इसीलिए नहीं करा करते ना कि परिवार में जैसे सब लोग हो जाते हैं तो उसका कुछ असर तो पड़ता ही है कि हाँ, भाई आपकी सास फलाना। नाट्या कर दी, जेठ नाट्या कर दा, देवर नाट्या कर दा? अच्छा, देखो मेरे हस्बैंड अकेले हैं, अकेले हैं। लेकिन जो कुणबे के वो है ना, उन्हें ऐतराज हाँ, रहा करता कि भाई म्हारी बहुआ ने वीडियो में नहीं ले लेगी। कोई नहीं बनाता अब आप, हाँ क्या अकेले आप हो? हाँ नहीं बनाएगी। लेकिन जब बाद बाद में जब यूं दिखा कि भाई हाँ भाई यूट्यूब पे भी है और उस पे हाँ, भी है, भाई इसकी तो अच्छी वीडियो चल रही है, फिर अच्छे धीरे व्यू आ धीरे रहे वो हैं। आने लगी, धीरे धीरे हाँ, आने लगी इनकम थी। स्टार्ट हो गई थी फिर। हाँ इनकम स्टार्ट हो गई थी, फिर धीरे धीरे वो आने लगी कि हाँ, भाई चलो कोई बात ना, ये मेरा भी ले ले, देख तेरे देवर ने ये अच्छा दिख दिवाए है, मेरे तो ये सूट तेरे देवर ने दिवाया अच्छा है, मेरा भी ले ले। अच्छा मगर ठीक से, तो पहले तो शुरुआत में तो वीडियो मैंने लुक लुक का बनाई, जैसे मेरे हस्बैंड ड्यूटी पर चले जाए करते उसके पीछे था, बच्चों के साथ बना ली। अकेली फिर भी कभी नहीं बनाई, बच्चों हाँ, के साथ ही मतलब रहा हस्बैंड कर, ब्लॉक रखे थे अपने? हाँ, ब्लॉग नहीं कर रखे थे। वो क्या था, मेरा फोन में ही देख लिया करते वीडियो अच्छा, कि आज मतलब फिर इसने रोक काट रखा है वीडियो का, लड़ाई नहीं कराया करते? अच्छा, लड़ाई कराया करते, खूब कराया करते, वीडियो डिलीट करवा देते जो दे, डिलीट नहीं करवाया करते, पर कलेसा कर दिया करते कि तू वीडियो क्यों मन बनावे। नहीं होता रहा आपका यार, छोड़ अब तो यार, हस्बैंड लड़ा की नहीं करोगे मैंने तो ठान ली थी, मैंने कहा भूखण में सिर दे लिया था, मुसल पे के डलना चकलाक वैसे हो जी, तो तलाक भी दे देते उस टाइम पे। ना तलाक की तो खैर नहीं भाई, जब बाढ़ हो जाए इतना सब कुछ होने के बाद तलाक की तो खैर कौन सोचा है हाँ, ना। इतना इतना सब कुछ झेलने के बाद भी जब तलाक ना लिया तो ईव के तलाक ले लेंगे एक वीडियो के पीछे। शादी में कितना टाइम हो गया उस टाइम पे आपकी ने, मतलब शादी ने मेरे ने हो गया था 20 साल, छब्बीस मतलब छब्बीस साल हाँ हो गया अब तो? हाँ 26 साल लग रहा है मेरी शादी को। हाँ, हाँ नहीं, तो 26 साल हो, एज ना लेगा बहुत हो आपके, भैया तो 35 साल की है, 50 साल की है, कितने वो साल की है, सच बताइयो, मैं हूँ 41 की, रियलिटी मेरा है? हाँ बिल्कुल रियलिटी है। देखो हाँ, झूठ बोलने में कोई फायदा नहीं है कि मैं कह दूँ कि ना मैं तो ये 35 की हूँ, ठीक है उम्र तो देखो किसी की लुकी नहीं है, हमने कौन सा दूसरा ब्याह करवाना हाँ, यह है बात सही है। उम्र जो है मैं तो रियलिटी बताती हूँ सोशल मीडिया पे भी। हाँ भी पर मानते नहीं है, बच्चों को देख के मेरे यूं कहेंगे नहीं तू तो इतने की नहीं है, कोई यूं कह हाँ, देता है कि ना तू लगती नहीं है, तेरे इतने बड़े बड़े बच्चे हैं। मैं पता कि एक हरियाणा की लेडीज हो, काम करेंगी बेचारी, 41 साल की होने लग गया तो 50 साल की है, हाँ 55 साल की, लेकिन दिल्ली की है 50 की लग गया तो 35 साल की, रीजन क्योंकि खाओ वापिस रीजन उनका अलग की मैं है। बताती हूँ ना, वो तो मैंने थोड़ा काम यहाँ आके कराया है, डांगर हाँ, का भी नहीं, खेत काम का नहीं कराया भी कदे। पहले कराया है, खूब कराया है हाँ, मैंने, जो मैंने अपने पीहर में कराया भी नहीं था, यहाँ मैंने हर चीज़ फेस करी है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने वो काम भी नहीं करा होता ना, मैं एक थोड़ी शहरी लाइफ जी रही होती तो शायद आज मैं 30 की भी लगती। नहीं, अभी सारे जी रहे हो ना आप, अब क्या दिक्कत है, लगते अब तो को तो कोई नहीं। दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अपना पुराना टाइम हुआ है ना वो इंसान कभी नहीं भूलता, कभी भी नहीं भूलता। मतलब हर टाइम यो याद आवे है, जैसे बाढ़ कुछ कवे और तेरी दादी ने मेरी गल नू करा, तेरे पापा ने नू करा मेरी गल, यो कम था, यो पूरा माँ का चमचा था, यो भाण का चमचा था। तो यो बात हो जाए कि अब चाहे हमें कोई कुछ भी ला के हमने चाहे सोने में तोल दे, लेकिन जो पुरानी जो हमारे दुख दर्द हुआ है ना, हाँ, वो बोले और सर। सबसे ज्यादा हुआ है अपने बाप का, बाप इसी चीज हुआ है कि बाप जैसा शायद इस दुनिया में कोई नहीं होगा। क्योंकि मैंने वो टाइम देखा है कि मैं अपने बाप की सिर्फ अर्थी पर गई थी, मैं मुझे 5 महीने हो गए थे, इन्होंने मिलने भी नहीं दिया था। ऐसा, मतलब वीडियो ना करते उसी, इतना नाराज थे या कुछ और बात नहीं है? जो उस टाइम पे तो सोशल मीडिया भी नहीं था ना, मेरे पापा को अच्छा, तो पहले की बात है, एक्सपायर हो इन्हें भी 23 साल हो गए। मतलब ऐसी क्या बात हो गई उस टाइम पे, कहाँ सैलरी, लड़ाई चल रही परिवार में? मैं बताती हूँ क्या हुआ है, बहुत से परिवार ऐसे हुए हैं कि अपने लड़के की शादी तो कर दे हैं, लेकिन जब बहू आ जाए ना तो बहू ने नू सोचा है कि यो छोरा बहू का नहीं हो जा, भाण नू सोचा है यो बहू का ना हो जा। मतलब सास भी सोचा कर दी, आपके ससुर भी? ससुर में मैं बताऊँ, ससुर में थोड़ा बहुत फर्क था, लेकिन ससुर के था
अपनी बेटी और अपनी गुलाम था, बिल्कुल गुलाम था। उन्होंने कह दी कि चुप तो चुप रहना है। आपके मतलब हस्बैंड भी ऐसे ही थे? हस्बैंड भी ऐसे ही थे, मम्मी का गुलाम वो तो कति ऐसा ही था। क्यों? ऐसा था ना, नहीं एक तो ना अगर भाई एक स्टार्टिंग में ऐसे संस्कार दे रखे थे, बेटा बुआ आगे नहीं बोलना, तुम आ रहा है तुम आ रहा है रो। वो बुआ के आ गए वो फिर बहुत ही बहुत बहुत बड़ी चीज हो जाए ना। हाँ। तो हो जाए कि ये तो हमारा थानेदारनी आ गई। ये आप में कुछ गलती थी भाई, दिन हो गई मैं तो काबू में कर दो सारा सौदा, मैं रखूंगी काबू में। ये था ना कि उस टाइम पे मैं बहुत सीधी थी, अगर मेरी सासू ने कुछ कह दिया तो मैं पलट कर जवाब नहीं दिया करती कति, मतलब मैं चुप रहा करती। अगर उन्होंने कुछ कह दी तो मेरे घर क्या के बारे में या भाई के बारे में मैं नहीं बोलती। धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया भाई 5-6 साल, मैंने सोचा मन की भाई अब तो बोलना ही पड़ेगा। और ये सच्चाई है, जब तक बहू नहीं बोलती ना, पिटती रहे छिटती रहे जब तक तो कुणबे में परिवार में सब ना अच्छी लगेगी। पिटी भी थी? हाँ हेल्ती है। हाँ और क्या लगते तो भाई यहाँ वो फेस तक लग गए तो गुस्सा ही होगी ज्यादा। हाँ वो सब हर कोई मेरे को यही कहा है कि भाई ये इसमें गुस्सा है शायद बहुत। हाँ। गुस्सा है, लेकिन जब कोई मेरे से बात करे ना तो सब कहे कि भाई वीसी का दिल बहुत अच्छा है। असली नाम वीसी आपका? नहीं मेरा किरण है, यहाँ गांव में तो किरण वीसी मैंने सोशल मीडिया पर अच्छा, रखा अच्छा, था। हाँ। तो मेरी, हो मेरी बेटी का नाम वैशाली था ना, अच्छा, तो उसने आईडी वीसी डागर के नाम से बना दी थी और वो ही चल रही है। हाँ। हाँ। तो यही है कि बहू जब तक पिटती रहे छिटती रहे चुप रहे, जब तो सब आ जाएंगे समाज में कहेंगे फलाने की बहू तो बहुत सुधी। हाँ। बहुत सुधी है भाई, वाह नहीं बोलती। जब तक तो सब रहेंगे ठीक, जब अपनी मतलब या बहू अपने हक में बोलेगी, बच्चों के हक में, गलत ना गलत कहेगी और सही ना सही कहेगी, जब वो हो जाए सब तक बुरी। ऐसा ऐसा भी देखा है मैंने कि जो हमारे कुणबे में मेरी ननद है ना, जो कुणबे की बताऊं, वे इतनी प्यारी थी, मैं उनकी प्यारी थी और वे मेरी प्यारी थी। मेरे तनु का या करती किरण जी सी बहू नहीं है, सगी ननद नहीं थी आपकी? वे मेरी सगी नहीं थी। आज वे ही है जो मुझे नुकव है कि या तो पेंशन के मारे कर रही है। मतलब के ससुर जी किसमें, मतलब आर्मी में थे या के? मेरे ससुर जी आर्मी में थे, कुछ साल नौकरी करके फिर वो सैंपल डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब लगी थी उनकी, ठीक है। 2005 में वो रिटायर आए थे। 2005 में रिटायर आने के बाद वो मतलब ऐसा हुआ ना कि जब लड़ाई झगड़े होते रहे हैं तो नू सोचा है कि भाई चलो तुम अपना अलग रह लो हम अपना अलग रह लेंगे। रबी का इनका घमंड था कि हमारे जेब में पैसे हैं तो हम रोटी नुआ खा लेंगे, दिल्ली में किले रेट दिल्ली में किले सा, तू तम हो कौन, हम तो मालिक है सब क्या है का, हमारा धरती रही हमारा नू रहा, तम हो कौन, मेरी जेब में रोटी है। लेकिन टाइम एक ऐसा आवे है वो रुपये काम नहीं आते। हाँ, जैसे आज के टाइम पे, आज के टाइम में बहू बेटा का इंसान का इंसान काम आवे है। हाँ, इंसान ही काम वो अपने ही काम आवे है और बेटी भी जब तक करेंगी जब तक उन्हें रुपये मिल रहे हैं। हाँ। जब बुढ़ा बुढ़ी खाट में आग गया ना, जब तो पन्नी में लते लपेट कर कूड़े में फेंक जाए, कूड़े में फेंक जाए वो मतलब सासू का तो करेगी बहू। हाँ। अभी अप्रैल में मेरी सास की डेथ हुई थी, अब इसी अप्रैल में 25 अप्रैल है, 29 तारीख को मेरी शादी की 25वीं सालगिरह थी और मैंने पूरा मतलब तैयारी कर रखी थी कि भाई मैं 25वीं मनाऊंगी, ये बहुत अच्छे से मनाऊंगी, ठीक है। वो 25 ने एक्सपायर होगी उसी दिन, उस दिन नहीं 29 ने मेरी थी, 25 तारीख ने वो, चार दिन पहले। फिर यूं ही है कि एक महीने मैंने रखी थी अपने दूर है। वो तो हाउसवाइफ थी, वो तो जैसे एक घरेलू महिला हो ऐसी थी और बीमार हुए ने भी उन्हें काफी टाइम हो गया था, बस घमंड इस बात का था उन्हें कि मारे दूर रुपया है, मारा रुपया मारा छोरा नहीं बरत ले। रिटायर आया ना मेरा सूसरा, जब अच्छे लेकर आया तो 2005 में, मतलब कमी नहीं थी मेरे सूसरे पे, मैं नूनू नहीं कहती कि मेरे सूसरे पे कमी थी धरती की रुपया की, लेकिन बस रोड़ा यो था कि मेरे हस्बैंड का नाम यादवीर है कि यादवीर तू फड़ मार के मर जा पर तेरे एक रुपया नहीं देना, मतलब रुपया नहीं देना, छोरियां ला कितने दे दूं। छोरियां तक तो आज तक कराया है उनका, आज तक बहू का वो मान सम्मान नहीं मिला जो छोरियां ने मिला है। हर चीज में मतलब कहीं भी चौधरपणे का काम होता वो छोरी, हर तरीके में बहू ने तो सिर्फ बहू तो जब अच्छी लगती उनने के भाई खेत का काम करती, दो भैंस रखती, सिर पर गठड़ी नहीं उतरती, गोबर की हेल नहीं उतरती, थप्पड़ खाए जांदी। हाँ, पिटती रहती छिटती रहती, मारे कहीं में मारा भाई चलता, हमने जित मर्जी लेकर जा जित मर्जी। देखो शादी के बाद है ना, हम तीन बहन हैं, हमारे एक भाई है,
बाबू है नहीं। इब हम नू कह दे कि भाई नू आ जा, भाई नू आ जा, उसके भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं, कब तक आपका करेगा, कब तक करेगा, ये चीज हमने भी देखनी पड़े है, ठीक है। और ये बात रही कमी उनके भी को ना, लेकिन हम कदे नू लेने देने पर कभी नहीं मरते। दिल्ली भी आ रखी आपकी ननद भी? मेरी ननद दोनों हरियाणा में है। आपकी शादी कितनी एज में हुई थी? मेरी 16 साल की थी मैं। तो 16 साल की आपकी ननद की शादी होती सब कुछ टाइम पर? नहीं, मेरी जो छोटी ननद थी ना वो भी मेरे से 5 साल बड़ी थी, और मेरे से मेरी शादी 99 में हुई थी और उसकी 2001 में हुई थी। उस टाइम तो सही बनाया करते ना आप आए? नहीं, कुछ नहीं बनाया करती। बाप भी आई है खिल की देख के उल्हाने ताने के तेरे बाप ने के दे दिया, तेरे बाप ने स्टार्टिंग में ही, मैं जब आया करे ना एक नई दुल्हन आवे है, भिड़ते ही मेरी सासू ने ही कही थी, आए तेरे घर क्या की तो शर्म बाज रही है, तेरे घर क्या ना मेरे छोरे कर रपिये की माला भी ना गाली, ये वर्ड थे। और मतलब आपकी सास अच्छा खानदान की थी, बड़ा खानदान हुआ करे उसकी थी। खानदान की तो देखो मैं बताती हूँ, खानदान तो देखो बराबर था, बस यूं है हरियाणा में किले हो गए है, नॉर्मल लाइफ होगा सबकी, भाई चूल्हे पे खाना, भैंसा का, ये होगा नॉर्मल लाइफ, ठीक है, ज्यादा खर्चीले नहीं होते, नॉर्मल परिवार से थी वो भी, लेकिन सीधे कोतरी तो उसके भी नहीं आया करते। हाँ। उसके नहीं आया करते, जहाँ बहू की बात आया करती, आए बहू तेरे घर क्या ना नू ना दिया, ए तेरे घर क्या मेरे छोरे तय यो ना दिया, मेरे छोरे तय यो ना दिया, ये बात रहा। आपके सास गाड़ी गुड्डी ले आई थी किरे? कुछ भी ना लाई थी, और फिर भी इतनी कहा करती, कुछ भी। और इन्होंने जो मेरे ससुर थे, हाँ। शादी करी थी जब मेरी बड़ी ननद की, उसकी भी नॉर्मली शादी करी थी, बस दुख था तो मेरा था, वो तो पता नहीं खुदा ना खास्ता भगवान का था कि मैं यहाँ किस तरह रहेगी दुख सुख पाके, लेकिन मैं तो ये कहूँ कि अगर कोई और आती तो यहाँ शायद टिकती भी नहीं। कितने साल बाद फिर बच्चा हुआ था आपके? मेरे 2 साल बाद हुई थी लड़का, लड़की, बड़ी लड़की हुई थी। फिर 2003 में मेरी दूसरी बेटी हुई थी। हाँ। इनके तो फिर यूं सदमा सा लग गया था कि दूसरी छोरी होगी। छोरी में भी कहे आप लग, वो छोरी क्यों हुई? इनका खूब था, मेरी सासू ने तो ये कही थी कि राम करे तेरा साथ छोरी हो जाओ। अरे पहली तो उसको रही, चलो ये तो अच्छी बात है, उसने तो ये कही थी कि ताने मारा कर देगी, अच्छी बात थी उसकी। हाँ। फिर मेरे 2006 में मेरा बेटा हुआ। फिर मुंह बंद हो गया सबका? मुंह बंद तो खैर होने वाले का किसी का नहीं हो कर सकते हम, ठीक है। खूब मेरे घर के ना छूचक में बहुत बढ़िया, मतलब जो पीढ़िया आवे बहुत अच्छा उन्होंने अपने तरफ अच्छा करा, बहुत अच्छा करा था। लेकिन बात वही है ना, जिस जिन आदमियों की फितरत ही उनकी ऐसी हो तो उन्हें हम नहीं सुधार सकते, जिंदगी भर नहीं सुधार सकते। हाँ। तो आपकी एज कितनी थी आपकी उस टाइम पर शादी हुई? 16 साल थी। 16 साल की थी। चलो आप आए, आपकी सास थी, ननद थी, उन्हें लगे भाई 16 साल की है, इसने किए बेरा बेचारी ने काम नहीं आंदा हुआ, काम सिखा दिया एक बेटी जा रखा। ये बात हो है कि बहू चाहे 16 की हो चाहे 15 की, उसमें सिर्फ बहू के नजरिया तो देखेंगे, चाहे उनकी बेटी 22 साल की भी उनकी शादी होगी, उसमें वे कहेंगे बालक। हाँ। कि मारी बेटी तो बालक से है, अगर कुछ उनके ससुराल में कुछ हो भी जाया करती ना तू मैं तो क्या करते कि तो बालक से कोई बात ना। हाँ। पर मैं एक बात बताऊ, 16 साल का बालक, मेरी बेटी 23 साल की है, फिर भी उसने सोचो कि अभी बालक है। और अपने बेटे ने भी चाहे वो कितना 30 का हो जाओ 35 का हो जाओ, उसने भी मैं सोचूंगी कि बच्चा ही है। लेकिन बहू ने नहीं सोचते कि बच्ची है, उस पे के उसका दिमाग भाई कितना मेच्योर है कितना नहीं। काम मां करता है उस टाइम पे? मुझे इसका भैंस का खेत रोटी पानी, मुझे चूल्हे पे एक एक घंटा हो जाया करता, आग बाढ़ती ना मेरे पास आग नहीं बढ़ा करती। लेकिन मन चूल्हे पे थोड़ी उड़कत आया करती, एक तो ना तो मेरे पे आग बढ़ा करती, एक उम्र छोटी, एक उम्र छोटी, और फिर जहाँ गैस पे 15-20 मिनट में रोटी बनाई करती, वहाँ चूल्हे पे मुझे एक एक डेढ़ घंटा लग जाया करता। अकेले हुआ करते पूरा परिवार की? बिल्कुल। आपकी ननद कहा करती सासू कहा करती कि मेरी बहू है आज तो कर दो? नहीं नहीं, काम का तो इतना प्रेशर करा था इन्हें कि मैं एक ऐसी बहू थी, कहा करा ना 16 साल का एक फूल सबाड़क होया करा, इन्हें मैं ऐसी बना दी थी कि मेरे हाथ भी पिछाड़ में नहीं आया करते कि ये किरण के हाथ है, इतने पक गए थे, इतनी बड़ी बड़ी चूड़ी आने लगी थी मेरे हाथ में। भैंसों के लिए आप क्या करते, झाड़ू पोछा आप क्या करते, रोटी के? हाँ, दो भैंस थी, और खेत में मेरी छोटी बेटी हुई 1.25 महीने की होली थी, 1.25 महीने के बाद इनके यूं आग लगी थी कि जा खेत में तो न्यार पाड़ के ला, छोटी सी बेटी थी मेरी, और दूध के मारे इतनी बिल क्या करती वह पीछे थे
अब छोटा सा बाड़ा का 1.25 महीने का, तो दूध के मारे तो रोएगी, नुगाई करती जा न्यार पाड़ गला। और और चोरी करा। खेत कितनी दूर के वहां पे पैदल जाओगे तो कांची निकल लेगी पैदल जाते जाते। मतलब 6-7 किलोमीटर दूर पहुंच जाकर दिया पे। अच्छी दूर था खेत। अब ये हाँ बताओ ना, उस टाइम पे जितना अब ये है कि व्हीकल है, सारी चीज है, था पहले उस पर मोटरसाइकिल भी था उस टाइम पर, गाड़ी भी थी। नहीं था, पहले सुनसान, पहले खेत में मतलब बहुत ही कम मतलब कम आपके हस्बैंड के पास तो था ना मोटरसाइकिल, था थी, स्कूटर था ही उनके, पहले था उस स्कूटर टाइम। था ना, टू व्हीलर चलती थी पहले। हाँ अच्छा ऐसा ही था भाई, कदे आपने खेत में ले गए, चलो हम दोनों चल ऐसा कुछ आज नहीं, घास ले आओ, वैसे मैं तो जाया करता तो पूरा ही परिवार जाया करता, या जाया करती मैं अकेली जाया करती। अकेली। कई साल हाँ करे आपने पूरा ये करा मैंने 5, 2005 तक तो मैंने करा है, अकेली नहीं करे जा सब कुछ करा है है? खूब करा है मैंने। यूं लगा लो कि मेरी जो अंतरात्मा थी ना, वो मैं यूं कहा करती कि हे भगवान, मेरा कद पिंड छूटेगा डांगरा तक, कद मैं मतलब अब तो छुट गया नहीं। अब तो छूट रहा है। और मेरी सास ये कहा करती कि डट जा तना, तो मैं गाड़ की चौथी चौथी गोबर चुगाती देखूंगी तने, मतलब तेरे सर पर हेल नहीं उतरेगी, मुझे तो पाट पाट के खावेगी। मैं कहती मगा मम्मी देख, मैं तो कद्दे भी नहीं करूंगी डांगरा का, मेरे हाँ बस की नहीं है डांगर में डांगर होना। लास्ट टाइम पे आपकी सास मरी के बोल थे आप खातर उसके, उस टाइम पे तो ठीक था बेटी, देख माफ करिए मैं जाऊँ। वो बोल की भी बताती हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट थी मैं, रुकी थी 5-6 दिन मैं जाया करती, तो मैंने बोला कि मम्मी देखो घेर में है ना, खुला है, और सर्दी भी पड़ी थी अब की बार पूरी पड़ी थी, तो मैं कहा चलो मम्मी भीतर ले घर चलो, वो दबिया उड़ घर है वहां, सर्दी में सर्दी कम, गर्मी में गर्मी गर्मी कम। हाँ मैं ले गई वहां पे, मतलब ये लगा लो उसकी हालत ऐसी थी के मतलब सुसु पोटी भी वो हगीज बांधा हाँ करती, हाँ हाँ उसी में ही करा मतलब करती, आप एक क्या कर महीना दिए। मन नहीं करा था। 1 महीने पीछे बेटी आई इस हाँ वाले घर में, माँ आ जा, बड़ी मुश्किल से तो वे अपनी माँ का बेरा लेना आई, बड़ी मुश्किल से अपने अपने हॉस्पिटल में फिट नहीं आई नहीं आई, या कालजे पे पत्थर धर के भी अपनी माँ का बेरा लेना आई थी। ठीक है, उनके छो तो ये हो रहा था कि माँ बहू बेटा में चली क्यों कर गई, हाँ नू देखा बीमार है माँ वे क्योंकि सर। मेरी सास ने किसी के आगे कही थी, और उसने मेरे तो बता दी थी कि मेरी छोरी नू छो मार रही है कि मैं यहाँ किस तरह आ गई। और बीमार थी उस टाइम पे भी। हाँ अब वहां चलेगी मेरी सास, मेरा ससुरा भी अड़ाई था, ससुरा भी पीछे पीछे चला गया, अब चला गया तो मेरा छो उठा, ससुरा नू कह के गया था कि मैं शाम ना जाऊंगा, रोटी खाऊंगा माड़े, मैं मिलन जा रहा हूँ, वो आया ही नहीं, दो दो तीन तीन दिन हो गए थे। फिर अब हाँ एक बात बताओ, हम पागल थोड़ी है कि करें घूमूत करें और फिर ठा के वेले जा, ऐसे हाँ थोड़ी ना हो, तुम राजी राजी सारा काम करो, हम कद नाटे, हमने हर चीज सुधारने की कोशिश करी नहीं सुधरी। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा इन्होंने बिहेव करा कि अपनी बहू तो नहीं इतनी प्यारी लग गई है कि चाहे उनके सर पे पल्ला हो, चाहे वे कच्चे सब कुछ पैर भी भी है, चाहे कुछ करो। भी करो, जो वो लंदन जा रही है, हाँ अदर कास्ट कर रखी है इसके बेटे ने शादी, अच्छा लव बट मैरिज कर रखी लव है। मैरिज ठीक, लेकिन बहू के मामले में अपनी माँ कदे उन्होंने ये नहीं समझाई कि माँ तू ऐसा मत करे कर, आखिर में हाँ इस वंश चल लेगा भाई हमारा, या बीबीराणी घर तक आई है, पराए घर तक आई है, इसने भी खुशी चाहिए है। लेकिन जो मैं सही बताऊँ ना, बहुत सी कह दे हैं कि और किरण जिसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो मन ने फेस हाँ करा वो हम मन ने भी रहा है ना, या कि चमक जो दमक दूर की सही है। जो एक एज में जो खुशी मिलनी चाहिए लुगाई ने वह मिली नहीं, हाँ अब क्या फायदा। अब के फायदा, अब तो तुम कुछ भी कह लो ए तू तो सही है, तेरे हाथ में है हाँ सब कुछ हाँ नू हाँ हाँ है, अब तो पोते पोते की उम्र हो गई अब तो आपकी। वही बात है, अगर छोरी ने मैं 2 साल पहले ब्याह देती तो ये मेरा ना देवती देवता हो जाता हाँ है, लेकिन उम्र टबे वजह कोई इस चीज का मायने रखती वह चीज। ये तो है। हाँ पर बस दुख इस बात का है कि भाई मेरे तो ससुराल वालों ने मैंने खूब कोशिश करी, खूब मम्मी जी के जिस परिवार से मैं आई थी उन्होंने बदतमीजी तो कदे सिखाई नहीं थी, और मैं आई थी बिल्कुल बदतमीजों में, लेकिन मजबूर कर दिया बदतमीजी करने पे। हाँ बदतमीजी में तो आप ही मजबूर हो जा, कचरा ना कचने देख कर तो रंग बदलेगा है, जब मेरी नणंदी मेरे पे हावी होकर नुका आ करती, और तेरी माँ ने यही सिखाया नणंद ने है, कभी मारे था आपके हाथ नहीं उन्होंने मारा नहीं, नहीं उठा कभी नहीं भी, सिर्फ ताने ताने मारे करते पूरा ताने, वो दिन। ताने भी थप्पड़ के बराबर होया करते। हाँ नहीं तो आपके साथ में 25-26 साल हो गए आपके हस्बैंड कल कभी वेट कर पूछे आपने कितने लालची क्या थे पहले।
इतना लालची तो बस ये था कि एक हुआ ना गांव में यूं सोचा कि भाई हमारा शहर की बहू आई है, हमारा न्यू लाई है, हमारा न्यू लाई है, हाँ, सिर्फ इस ये चीज पूरा में। गांव ऐसा है उरा का जो यो है भाई जाके देखो मैं शादी पूरे में गांव ने तो नहीं कह सकती कि भाई पूरा गांव रेकुन भाई ऐसा साहब है, का भाई हका के हाँ सारे एक पर से। हाँ तकरीबन ही हमारे परिवार में तो देखो बुआ ने ना ये छूट है ही नहीं किसी को भी, किसी को भी नहीं है। बउआ ना तो नुआ रख है, इब कह दे कि बउ ना हम छूट दे देंगे तो नवंबर में ओले कर देंगी, नू कर हाँ देंगी, इसी कोई बात नहीं, हम है अपने ठिकाने पे ही तो है, हाँ हम छोड़ के तो कहीं भागे नहीं। कोशिश तो पूरी पूरी करी कि भाई इसने छोड़ दे, दूसरा ब्याह कर दे, न्यू कर दे। आप ये कैसमेंट खत्म है मैं तो छह छह महीने 6 महीने रह के आई, मेरी दूसरी बेटी हुई थी जब, और वो भी जब मतलब रिश्तेदारी में तो लट दिवाया कि इसने ले का आओ, हाँ जब ये दाप लेके आए हैं और आने के बाद भी मुझे ये ताने मिले थे कि तेरे घर क्या ना तो तू ओटी भी को ना जब तू दिखाई साड़ी ने। उसका सीरियस मारे आपका भाई। चलो एक तो नॉर्मल मारे भाई, एक सीरियस होया करो भाई, लठ मार दिया, लाठी मार दिया, कुछ और। देखो वो पिटना तो बहुत बहुत हुआ है, बहुत ही हुआ है कि अगर कोई नॉर्मल हो तो मेरे तो विचार भी ऐसे आए करते कि मैं मर जाऊं, जब चुगड़ देने बैठा करते ना यहाँ सासू, यहाँ ननद, यहाँ मेरा आदमी, सब टॉर्चर कराया सब कर। हाँ सब यही उलाहने ताने, इसने यो काम ना करा, इसने यो ना करा, इसने वो ना करा, आज ये उड़ गई, फलाना गई, मतलब ये लगा लो मैं परिवार में कुणबे में किसी बहू से बोलना भी अलाउड नहीं था। कुणबा मान लो 20 बंदे थे ना, मतलब एक बंदा ऐसा नहीं था भाई जो राम की डाड़ो बेटी ठीक है, ये तो गलत बंदे हैं, तो तेरे माँ बाप ने बोला ही समझाऊंगा इन्हें, हुआ समझाने था, बंदा एक भी नहीं हुआ था पूरा था कुणबे पहले में। जैसे खूब आया करते हमारे घर के भी आया करते, खूब थाने पुलिस भी हुए हैं, थाने पुलिस भी हुए हैं, ठीक है, पर कुछ टाइम के लिए वो ठीक रहा करता, फिर वही उसी अपनी दारू कहानी पिया में। कर दे, देखो दारू तो ऐसा है कि नूबी को ना मैं कहूँ कि हर वक्त ही रोज रोज, हाँ भाई राम देखो है। साल उसमें हफ्ते में एक दो बार पी ली तो ठीक है, लेकिन हाँ मेरे ससुर ने अब भी 80-82 साल के हो रहे हैं हमारे पास रहे करते, हमने शाम ने रूटीन बना रखा था कि हाँ दो वो तो पैग वीडियो में देने भी हैं, देखा था, हाँ देखा था वीडियो में ना, देखी थी मैंने, लेकिन दिया उसकी कर दे। आदत ऐसी थी, हमारे जिस तरह एक गांव में घर है और एक यहाँ पे है, हम इस घर से 2018 में उधर गए थे और वो भी लड़ाई में ही गए थे, मेरी बड़ी ननद ने ये बोला था कि अभी निकलो घर से, अभी हम तेरे मुंह पर 2.5 लाख मारेंगे, मतलब लड़ाई देखी कि भाई भाई है वो करा, आपकी ननन की वजह से भाई घर छोड़ना पड़ गया। बिल्कुल। देखो क्या करा है, जब घर के बड़े बूढ़े बेकार निकड़ी आवे ना तो वो घर का माहौल ही अलग ही हो जाए, वो जो मैं आज 25 साल तक भुगतती आ रही हूँ, क्योंकि मेरे सास ससुर ने ही भाई बहनों में कदे नू नहीं कही कि भाई देख कुछ भी हो जाए लेकिन तुम अपना प्यार बनाए रखो, लड़ाई तो सबकी होती है, भाई हाँ बहन की इतनी इतनी हो जाए, कुत्ते बिल्ली खीर भी ना खावे, इतनी इतनी हो जाए, लेकिन जितना जहर इनमें है ना, मैं अब तक ये सोच रही थी मैंने कि चलो कोई बात ना बैठ के बात कर लेंगे, हमने माफी भी मांगी कि दीदी चलो कोई बात नहीं होगी जो बात कदे आप होगी, स्पेशल गए नु अगर पे मारी बिल्कुल गए गलतियां हैं। वाह अभी जोड़े मैं हो। आपको बताती हूँ, अभी 5-6 महीने की बात है, मेरी बेटी के रिश्ते की बात चल रही थी बड़ी बेटी बड़ी बेटी की, तो हमने हम गए पूरा परिवार ही गया था कि चलो भाई चलते हैं, दे मिठाई विठाई दे के आते हैं भाई, उनको मना लेंगे, खूब उन्होंने अच्छे से बात करी हमारे से, ठीक है, उनके मन में ऐसे लग ही नहीं रहा था कि उनके मन में कुछ और चल रहा है, दोनों का गए थे अच्छी तरह बात करी, फिर बाद में भी डाक के 3 बात उनके, तो ये बताओ। मतलब उनका तो रजा तो कुछ नहीं कहते हुए, नॉर्मल बोला है, हाँ सिर्फ नॉर्मल कॉल पर लड़ाई कर रहे हैं। कॉल पे भी नहीं, बस उनका मोटिव ये रहता है कि मेरे बाप की और मेरी माँ की प्रॉपर्टी पे इनका हक नहीं हो जा, मतलब इतने कितनी प्रॉपर्टी है भाई, एक तो दो किले एक्चुअल। हैं अड़े उज मतलब हमारे ही दिल्ली में, अब उस हाँ उन किलो की कीमतें तो ये लगा लो 3-4 से 5 करोड़ तो हो ही रही होगी, तो हाँ उन वे उन पर मुंह दूरी है, पहले मैं ये सोचे करती मकाले चलो कोई बात ना रिश्ते सुधर जाएंगे सुधर जाएंगे, पर जब यो सीन हुआ है ना उस दिन जब भी लेकर बैठा कर दोनों ननदों ही आ रहे थे, दोनों ननद थी, ननद का छोरा था एक गाड़ी में, वे लड़के भी गए, आपने डाल रखी वीडियो भी। मैंने डाल रखी है, मेरे बेटे ने बनाई थी, मुझे पता भी नहीं था कि मेरा बेटा वीडियो बना रहा है, ठीक है, मैं बहुत सीरियस उसमें गई थी कि भाई तुम क्यों ले जा रहे हो, और ले भी जा रहे हो तो तुम राजीनामे तक बैठ कर बात करके लेके मतलब जाओ, आए बातचीत भी नहीं करी बैठ कुछ के, स्पेशल नहीं कुछ नहीं। आए बस उनकी बांह पकड़ी ले वो गए। मैं बताती हूँ क्या हुआ, मेरा जो ससुर है उसका कई दिन से लग रही थी बेटी बेटी, उसके धुन सवार तो उसकी बेटी कराया करती, वो ये कहा करता मेरा परिवार वो है, ये मेरा परिवार नहीं है, मतलब आपको लगा तो बेटी बोल दे नहीं
वो मेरी बहू मेरी बेटी मेरे पास थे ना जब, तो उन्होंने बहुत अच्छे से ये हाँ। किरण बेटी मेरी बेटी आज तक हाँ। मैंने तेरे तक गलत बोला, अब चाहे उसने बोला हो चाहे ना, ना पापा मैं, आपने कुछ नहीं बोला हाँ। मैं फिर भी यो कह दिया बुजुर्ग है ठीक है। मैंने भाई देखो बाप की खूब इनकी तू मैं हो जाया करती, अभी भी होया करती, मैं चुप कर दिया करती, मैं कहा देखो कुछ मत कहो कोई बात नहीं बूढ़ा है ठीक। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। अब क्या था उस दिन मैं सो रही थी अंदर वाले कमरे में, मैं सो रही थी, अब कुत्ते बिल्ली की तो रखवाड़ हो है, मानसा की थोड़ी ना रखवाड़ हो जा। अब हमारी जो पैड़ी है ना मेन गेट की, वो इतनी ऊंची है उस पर नू लगा लो पकड़ के चला जाए, वो अगर उस पर पड़ जा और कुल्ली टूट जा, मतलब किसी उसका की दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, अब तो फिट फोर हो रहा था वो, कैंसर हो कुछ ऐसी बीमारी कुछ भी नहीं। लेकिन जब हम पलोट से लेकर आए थे ना, वो दिन रात पिया करता बोतल के मुंह लगा लगा के, जब ज्यादा पी लिया करा इंसान तो उसके गोड्डे भी काम ना करा करते, वो चलते चलते पड़ जाया करता, यहाँ से फूट रहा था, यहाँ से सारा फूटा पड़ा था। इब हमने जब यहाँ हमने अच्छी भाई सेवा करी है, देखो हमारा अंदर गांव से और यहाँ फिरनी पे हमारा एक घर है, यहाँ से काफी फासला था, और इस साल गर्मी भी कितनी। एज कितनी उनके आपके ससुर की? मेरी उनकी 82 है, 82 साल की। उन्होंने सोचते वही है मेरे बेटा बहु है मेरा परिवार है, हाँ ये भी उनको मेरी बेटी परिवार है, बेटी परिवार है। वहां से जो मेरी मौसी सास के लड़के हैं उनके घर जाके बैठ गए, घर जाके बैठ गए। मुझे उन बहुओं का फोन आया कि किरण यो ताऊ ओड़ा ओड़ा बतलावे है, एक बार तू आ जा। वो ओड़ा ओड़ा नू बतलावे के वो मेरी चुगली कर रहा हाँ। के मन कैद में राख रहे है, मन नू करे है मरत ये कर नू करे कुछ ना दे रहा, मेरा सबका मैं छीन लिया नू कर लिया। प्लाट में अकेले रह कर रोटी पानी कौन करया करता उनका? जब तक तो मेरी सास थी ना। अच्छा अच्छा हाँ। सास भी थी, सास के बस की नहीं था, तो उनकी बेटी हो ना काम वाली लगा रखी थी, दोनों अकेले रहा करते आपकी सास अकेले रहा करते हाँ। वो उनका पैसों का घमंड था कि भाई हम बहू बेटा ने नहीं पूछेंगे। आप तो ये घर पे भी दिया थे उन्होंने? नहीं, हमारे देखो हमने अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में हमने हमने बेरा हमने किस तरह पढ़ाए अपने बच्चे। देखो सबके घरों में एक तनख्वाह में गुजारा नहीं होता ठीक है। जब मेरे हस्बैंड 2011 में लग गए थे, लास्ट टाइम था वो जो लगे थे ड्राइवर हाँ। डीटीसी में ठीक, वो तो शुक्र है वो लग गए, नहीं तो हमारा किस तरह गुजारा होता ये बताओ। हाँ, ये बात ये है ना, दो बेटी थी एक बेटा था, और तीनों ये लगा लो दो बेटियों में 2 साल का अंतर था, एक में 3 साल का, बराबर प्राइवेट स्कूल में फीस कितनी जाया करती। उस टाइम पे मैंने अपनी टोम भी बेचनी पड़ी थी। वो तब भी नहीं आप सोचो चलो 10,000 ले लो बेटा, 15,000 तेरा खर्चा चल जाएगा। पता है क्या है, मैंने ये सोचा था कि चलो भाई एक रसोई का भी खर्चा अगर वो पुगा देते ना बहुत तो मेरे बहुत तसल्ली होती कि चलो मेरे बच्चे मेरे लिए ना मेरे बालका ताई तो कुछ कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने आज तक कुछ नहीं करा। चलो मान लो भाई बेटा गला दुश्मन है, बहू भी कौन अच्छी लगे, एक पोता पोती आकर हाँ ये तो मेरी है। पोता पोती की मैं बताऊंगी, मेरी जो बड़ी बेटी थी उसमें था उनका मोह था वो रखी, लेकिन जब मेरा छोरा था, छोरा मेरा न्यू धरती में लुटा दिया था कि इसने ले जा डेटा ठाकर, न्यू धरती में लुटा दिया था। 10 रुपये भी दिए वही लो बेटा, 10 रुपये की छोड़ो, पैसा मैटर नहीं करता, जान मैटर करे है। एक बार मैंने हीटर पे दूध रख रखा था और लाइट चली गई थी, वो दूध मैंने उतार कर रख दिया था, हीटर बंद करना भूल गई थी। मेरा बेटा गुडलिया चल रहा था और बाहर कोई लेडीज आ गई थी, गलती मेरी थी कि मैंने बंद नहीं किया, मेरे बेटे ने हीटर पे यूं हाथ टेक लिए थे और वहीं बुढ़िया बैठी थी। कितने साल एज थी उस टाइम पे उनकी? मेरी सास की? नहीं आपके बेटे की? मेरे बेटे की गुडलिया ही लगा लो 8-9 महीने, 8-9 महीने, मतलब 1 साल का मान के चलो। हाँ 1 साल से कम का था, यूं हाथ टेक लिए थे। और फिर जब मैंने गई कि मम्मी तने जीकता को नहीं छोरा हाथ टेक रहा है और यू लाइट आ जा करंट लग जा, फिर कुछ भी नहीं बोली। इसलिए आपका बेटा हो गया, बेटी आपकी ननंदन तो मोह होगा, भतीजा हो गया, मेरा भतीजा है उन्हें मोह नहीं हुआ, कुछ मोह नहीं है, मोह है सिर्फ इनका इतना है, वे बाण बाण है आपस में ही उनका प्यार है। और उनका ना तो रिश्तेदारी में, जो छोटी ननद है मेरी सास मरी जब ना छोड़ देता, कोई कुत्ता भी नहीं आया, कोई कुत्ता भी नहीं आया सर आपने कर। अरे वो छोड़ो, दुख में तो आया ही करा, जेठ देवर चार जेठ देवर उनमें से कोई भी नहीं आया। नहीं मैम चलो आपके हस्बैंड है, अब उनकी एज कितनी है? उनकी 52 है। 50 आपकी अच्छी बनी तो उनका है हाँ। देखो एक टाइम में अब कितने साल हो गए अच्छी बना भाई? हाँ अच्छी बोल चाल है, हर चीज शेयर करो आप उनके लिए। 6-7 साल हो गए, सिर्फ 6-7 साल हो गए, 6-7 साल हो गए हाँ। वो 45 साल की उनकी ऐसी, तब तक आपकी कुछ नहीं बनाया करती भाई? नहीं कुछ नहीं बनाया करती, मैं बताती हूँ, वो आदमी तो है सोने का ठीक है, आदमी सोने का है, लेकिन एक उसमें बस एक कमी है कि वो गाली गलौच बहुत करा करा है।
मतलब उसकी शुरुआत ही दिन की योनि करा तब ना योनि कहवा है ना कि खून का असर होया करे तो वो थोड़ा बहुत तो अपने माँ बाप का असर तो होएगा हो गया हाँ। बाकी उसमें कोई कमी है नहीं है ना तो मैंने वो डरता है पैरता है जानता है कितने नहीं नाटता वो आदमी स्टार्टिंग देखो नाटता पांच छह साल तक करने लग गया चीज नहीं वो वैसे तो शुरू से ही ना कुछ कया करता मिलता है इस कुछ भी पारो कुछ भी किया जा कुछ भी हाँ पर पहले का टाइम कुछ और था अब का टाइम कुछ और है पहले बहु थी कट स्लिप के नहीं पैरे करती पैर लिया करती तो कुंडबे बनू हो जाए करती ए देखी तो ना फलाने की बहु कट स्लिप के पैर लिया तो बात जगह हाँ देखी रहे ना और इब इब सब पैर है टोटल कती सब नहीं तो नॉर्मल होया गामा भी तो नॉर्मल हो रहा है हाँ नहीं चलो मैम आपके हस्बैंड है अब आपने किए कब है हस्बैंड मेरे कुछ नहीं कहते बस मेरे हस्बैंड मैं यूं कहूँ कि मन की कम से कम तू तो बोल सके है तू तो कुछ कहे उन तय जा कहे कि अब आपने वो दे दिया हिस्सा दे दिया उन तक अभी कुछ अभी तो वही बात है ना जब ससुरी मतलब ससुर के एक्सपायर होने के बाद ही तो तीन हिस्से होंगे अभी तो ससुर के नाम ही है अब वो लेगी आपके ससुर ने आपके ननंदर तो साथ में लेगी हाँ, या छोड़ेगी दोबारा नहीं 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 लेगी वो आप कहीं नहीं दोबारा लेना कि हम लेने जावांगे हम नहीं लेना गए दोबारा कभी ले हम नहीं जाएंगे जब लेके गई हैं तो भैया आप तुम खुद करो तुम या चाहे उनका बच्चा सवरा घूम हो जाओ वहीं पे वो मैं तो कह दी थी मैंने कि अब रखो तुम करो तुम क्योंकि अपने घर में तो कह अगर थूक ले कि मैं कर ले हाँ। बेटी थोड़ी ना बर्दाश्त कर लेगी वे इतनी छोतल है वे जब अपनी सास की सास ने नाली पे थूक दिया था वो नाली चक्कू तक काट के फेंक देगी है तो वो नाली धुल भी सकती थी तो वो अपने माँ बाप का किस्त कर देगी फोन में बात नहीं एक बार गए हैं नहीं मेरी बेटा पर लेकिन मुझे पता है पहले तो यही थे रावता मोड़ते पर मन बेरा भी पाट गया वो सोलदा जा रहा है नहीं चलो मान लो आपके जो है ससुर डेथ हो गए उनके तीन हिस्से हो गए फिर दे दे हो गया फिर भी लड़ाई रहोगे हम तो दे देंगे हम तो दे देंगे पर हम इस कलेश नहीं चाहते इस तरह हमारे बालका पे भी बहुत असर पड़ा है बच्चे कितने टेंशन तो जीवा भी दे दो ना फिर क्या दिक्कत है जीवा तो फिर वो ही ना उन्हें तो कलेश करना है कि ना देना है और ना अगर लेना है बीच में आपके ससुर ने ले रहे हैं सारा नाम करवा लिया फिर क्या करोगे वो भी आगे भी पड़ोसी दादा लाई है कोई इनका खरीदा और थोड़ी ना है दादा लाई नहीं तो नाम करवा इसका नहीं भाई मेरा बेटा है दिमा तो अपनी बेटियां दूंगा केस करेंगे कानून भी तो कुछ चीज होता होगा सारी वीडियो बना रखी मेरे पास सबूत है सारी चीजों के पहले तो यूं था कि वीडियो नहीं बनाया करते तो हर कोई वीडियो बना रहे आपके ननंद बहू आ रही है बहू उनका है बेटे बहू आ रही है मेरी बड़ी ननद है ना उसका जो बड़ा लड़का है मेरे से सिर्फ 8 साल छोटा था और जो उस मेरा जो ननद ये बोलता था कि ये मेरी बेटी बराबर है ये बोलता था और आज वही ननद है जो यूं हाथ पे हाथ धर के बोलता है कि मैं तो जी कविता की पूछ हूँ जो कविता कहेगी मैं तो वो करूंगा मतलब मेरी ननद कहेगी मैं तो वो करूंगा स्टार्टिंग बढ़िया कर दी आपकी उस टाइम पाए थे आप एक की तो शादी नहीं हुई थी मेरे ननदों ही दोनों ही देखो मैं उन्हें गलत नहीं बताती दोनों अच्छे हैं लेकिन क्या अच्छे हैं जब वो गलत ना गलत नहीं कह सकते कि वे भी गांव में ऊपर तो गवर्नमेंट जॉब पे है गवर्नमेंट बड़ा वाला तो गवर्नमेंट जॉब पे है और ये भी नहीं है कि उसके कोई कमी है उसका बड़ा लड़का लंदन जा रहा है अपनी बहू ने ले जा रहा है मतलब उनके पैसे पहले हाँ उनके और जो छोटा लड़का है वो भी 1.5 लाख से उसकी अर्निंग है महीने की कमी उनका कुछ नहीं है बस नीत खराब है नीत मतलब 1.5 करोड़ खाते लड़ाई कर रहे सारी क्या कर सकते हैं चलो आपके भाई हैं आपके भाई नहीं समझाई कदे चलो आपकी तो नहीं मानी भाई भाई की तो मैं ले मेरे भाई की मतलब मेरे भाई हाँ आपके सगे भाई ने समझाए कभी मेरे जो घर के है ना वे बहुत सीधे हैं ये बहुत तेज पड़ा करते हैं उनके आगे क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब लड़ाई होया करती और मेरा बाबू अड़ा आया करता मैं सही बताऊँ ना मैंने हरियाणवी बोलनी बिल्कुल नहीं आया करती क्योंकि जिस माहौल से थी मैं वहाँ हिंदी और थोड़ा यूपी टच आया करता फैमिली में कौन-कौन आपकी मैं माइके माइके मेरा एक भाई है भाभी भतीजा भतीजी और मम्मी पापा है नहीं सिस्टर नहीं आप पे सिस्टर एक ये है और एक छोटी है वो जो गाजियाबाद भी आ रखी है वो सिस्टर नहीं समझाया कभी आया देखा आप ना करो गलत चीजें हैं नहीं नहीं आपकी सिस्टर के साथ भी सेम सिचुएशन है सिस्टर के साथ नहीं है सिचुएशन वो अच्छा, तो आप आपके साथ है मेरे साथ ही है क्योंकि जब मेरे पापा आया करते मेरे चाचा ताऊ आया करते तो मेरी सास यूं कहा करती यो आ क्यों कर गया इसके मुंह में गू दे दे इसके मुंह में अब ये सोचो और मैं ऐसी ऐसी बात है ना जो मैं यहाँ बता भी नहीं सकती जो मेरी ननंद ने मेरे बाप के आगे कही है मैं बता भी नहीं सकती बाप खतर मेरे खतर के बाप की नजर नीचे हो जा और जो मेरे ससुर है अब तो खैर बुढ़ा हो रहा है
मेरा तो ससुरा भी ऐसा था कि चार आदमियों में भी इतनी गंदी बक दिया करता कि जो अगर ढंग के परिवार के होंगे ना तो वे बर्दाश्त नहीं कर सकते ये सब चीज। अपनी बहू के बारे में अगर ऐसा कह दे तो नहीं, आपके ससुर गवर्नमेंट जॉब पे है, अब तो नहीं गंदे बेटे दे मेरे पे गलती उस टाइम पर नुका कर दम, एक बार भी नहीं कही अभी ये चीज है नहीं, अब भी बेटी बेटी दिखा है। तो अपनी शांति नहीं गावे हो, मेरी शांति गई, मैंने शांति की इतनी सेवा करी, मतलब मेरी जो सास थी, अच्छा अच्छा, शांति नाम था उसका। हाँ। बस उसने, अरे एक टाइम ऐसा आवा है जैसे इमोशनल ज्यादा हो जाए, बात बात में रोन लाग जा है। हाँ। वो रोवे है तो भाई दूसरा आदमी तो देखो नो मान ही लेगा कि भाई बेचारा है, लेकिन उनकी ये नहीं देखते। और ये बताओ ना, जब अगर मान लो हमारे पास रह रहा है, हम सेवा कर रहे हैं, तो पेंशन का क्या रोड़ा है इसमें, हमारे कुंबे के रो रहे हैं तो पेंशन कौन ले फिर उनकी? पेंशन फिर बेटिया को दो ना, सबका यही है ना हमारे कुंबे में कि पेंशन ये नहीं, बेटी को दो, बेटी को या खत्म जमा हो या आपकी बेटी ले वहां पे पेंशन, उनकी पेंशन तो बैंक में आया करती ना। नहीं अब तो आवा नहीं, अब आपकी बेटी ले हुआ है या उनका खत्म जमा हुआ है? सॉरी, आपकी ननद ले हुआ है? ननद ही लिया करती। मैं बताती हूँ आपने, मेरी ननद 30 तारीख ना 28 से 30 के या 1 तारीख में आया करती थी, हर महीना आ करती थी, मेरे तो कह आ करते, ले मैं ही सोचे करती, मैं कहा और मेरा ससुरा इतना कंजूस है कितना देवेगा यू। अच्छा। मगर यू ना देवे, फिर मेरे बाद बाद में मुझे यूं लगा कि भाई यार रप यही लेना आया करती, फिर मेरे तक कई आने कहीं भी दोनों आ करती हर मंथ। छोटी वाली का ज्यादा है लालच, छोटे ननदोई के भी लालच है और ननद ये 50-50 कर लेंदे, वो एक लेगी आदेश दो रुपए फिर इसका तो वही बात है, इसका तो कमी है कोना बड्डी का, तो या क्यों लेवेगी, या 20-25 हजार रुपया नो खाते, इसका तो बेटी भी कोना, बेटी तो उसका है, या तो नहीं सोचा कि उसकी बेटी ना मैं केला फ्री टेंट बना दूं। हाँ। भतीजी के कभी मेर ना आई, मतलब हर मंथ है जिंदी 27-28 तारीख दो रह जिंदी। हाँ। तो फिर चले गए चले जाती, कभी आपने मांगे पापा 50 हजार की जरूरत है, 50 हजार दे, 2 लाख रुपया जरूरत है, जो काम करो कभी भी नहीं, चाहे हम मरते हो चाहे किससे का घर पाड़ के लाओ कुछ करो, लेकिन कदे आज तक हमारे सास ससुरे ने मेरे तक हम तनु नहीं पूछे। हमारा 50 हजार भी कर्जा कर्जा तारना है, 50 हजार दे दे। देखो भगवान की दुआ से कदे कर्जा तो ऐसा कदे हुआ नहीं। हाँ। ठीक है, पर अरे मेरे सासू ससुरे ने हमारी कदे फीलिंग नहीं समझी कि भाई इसके भी दो बेटी है, पढ़ाई है लिखाई है बड़ी हो रही है। हाँ, उनके दिमाग में रह करती भात भरना है, अभी भी मतलब उसका दिमाग है ना थोड़ा सा हो ही रहा था, पर उसके दिमाग में यो ही घूमती रहा करती, तीन भात है किरण, तीन भात है, मैं कहा करती मम्मी पापा तू मर जाएगा तो मगर भात तो फिर भी। अच्छा, भरे जाएंगे। हाँ। मैं पैसा जोड़ रहा हूँ भात ताई, पैसा जोड़ अच्छा। रहा हूँ। अच्छा। उसका नूर रहा करती नहीं, क्यों मैं मान लू भाई परिवार में 4-5 बंदे हैं, हर एक की यही सोच इसी आप अकॉर्डिंग के मान लो चीज कुकर के, मतलब साइको बंदे या एक साइको टाइप के ना हो जाए सोच इसी हो, साइको साइको ही कह दूंगी मैं उनकी, जब उनकी अपने परिवार में ही नहीं बनती तो वे साइको ही है। तो इतने साल आप ना रंदे हो गए नहीं, समझ में तो आगा बंदे यो बंदा किस टाइप का, मेरे हस्बैंड किसी के ससुर किस टाइप के, सास किस टाइप की, अब वही बात है ना, है तो परिवार के ना, अभी इन ने भाज छोड़ कर कित जाम, वही बात हो जाए ना, हम कहाँ जा, रहना तो हमने यही है। हाँ। फेस भी करना, अगर बीमार हो जाए तो हमने संगवाने भी पड़े हैं, सारी चीज करनी, फिर बार बार वे ही हमारे साथ वही बात हो, और फिर परिवार वाले। हाँ। जब वो मेरे ससुर निकले उस दिन दोपहरी में, मेरी मौसा सर के जाकर बैठ गई, मेरी दोनों मौसा के लड़के बैठे, मैं गई, मैंने की महेश तू कहता क्यों ना कि भाई के कमी है ताऊ तेरी के सेवा में वो हो रही है, और ते उसने सीधी मेरे से ही बोला कि तुम क्या एहसान कर रहे हो, तुम तो लालच में कर रहे हो, मेरी मौसा सास के लड़के ने उसने भी यही बोला, वो मैरिड है, अनमैरिड है, बड़े बड़े बच्चे मेरे बच्चे जितने हैं उसके, तो अच्छा अच्छा, जितने मेरे बड़े बच्चे इतने ही हैं। बस मुझे दुख इस बात का आया कि कम से कम कोई जायज बात तो कब है कि भाई ताऊ देख तू मारा आ रहा है और तू आड़े रहेगा उड़े रहेगा अपने छोरे दोरे रहेगा, और तने राजी ता जाना है तो तू राजी ता जा, पर हम तना नू नहीं जान दे। खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, किसी ने भी कुछ नहीं कही, मैं अकेली उनकी गल लड़ रही थी, और वे लेकर बड़ी नण तो यूं हाथ करके चलती बनी के लिकड़ लिकड़। कितने दिन की बात होगी? अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ होगा शायद। उसका बाद एक बार कॉल पर बात नहीं हुई, आपके की हुई आपकी सब किसी किसी की नहीं हुई, मेरे को कईयों ने ये बोला कि भाई तुम जाके लेके आओ। हाँ। जाके लेके आओ उसको, भाई थारा बाबू है, मगर हम नहीं लेके आएंगे, जब हमारा ससुरा में कमी है तो हम क्या करें। हाँ। जब वो इनू कह दे है कि हम मनाया तो अपनी बेटिया का जाना है, फिर हम फिर क्यों डिसीजन ले। इसला वीडियो ना, वीडियो खातिर भी आपके ननद है या तो वीडियो बना नहीं, वीडियो के ऊपर उन्होंने कभी
देखो जो बात होगी ना, मेरी सास कदे मतलब नाचण कूदण ते इन चीज ते कदे उसे ऑब्जेक्शन नहीं था। उसे ऑब्जेक्शन ये था भाई मेरे छोरे ते बात नहीं करेगी, मतलब ये था कि दिन में है ना अगर बेटे ते बात कर ली तो ये तो पाप हो गया, मेरी बेटी पे क्या असर पड़ेगा, तू दिन में तू ऊपर चुबारे में सो रही है। मतलब बहू है आपका बेटे बोल बात नहीं कर सकती, नहीं कर सकती कि मेरी बेटी पे क्या असर पड़ेगा। फिर शादी क्यों करी थी, कुआरा रख लेंदे। ऐसी ऐसी तो मेरे मेरे साथ बहुत हुई है, 6-6 महीने अपनी माँ दोरा पड़ा रहा करता ही, मैं तीनों बच्चों ने एक ली लेकर आया करती, ऐसी ऐसी तो बहुत नौबत आई है। अब तो गलती मान लो खुद की, आपके हस्बैंड वो तो खूब गलती मान रहे यार। मैं कह दिया करूँ, मगर मैं जिस दिन आई थी मैंने उससे दिन तेरे माँ बाप का नेचर और तेरी बहनों का नेचर पढ़ लिया था। मैंने की पहले तू ये इसमें था पेप्सी में, 2011 में लगा था ये उसमें डीटीसी में परमानेंट, उससे पहले पेप्सी में था और डीटीसी में खूब कमाया इसने, लेकिन बहू के लिए नहीं था उसके लिए। मेरे ते तो अगर एक रुपया भी दिया हो ना तो वो हराम है। करवा चौथ पर कभी सूट ले आए कुछ? मेरी सास ने तो आज तक भी करवा चौथ का सूट की क्या बात कर रहे हो, चूड़ी तक के भी पैसे नहीं दिया करती। सारा घर तक लिया कर दिया, सारा घर तक, मतलब 25-26 साल सारा अपने घर तक दिया जितना। 25-26 नहीं, अब तो देव है, अब तो वही बात है मेरे ही हाथ में है। 15 साल मान गया चलो सारा घर तक करे आपने, शादी के बाद भी कभी आपकी नुकाला बेटी 10 रुपये तेरे खाते रो लिया? कभी भी नहीं, नू भी ना कहा करती के लिए तू अपने घर जा रही है के लिए तू केले के रुपये ले ले पैंट बुर शर्ट पर। हाँ घर से माँ सूट जरूर भेजे, अगर सूट ना मेरा सूट नहीं आता तो लड़ाई। हाँ वो कलेश हो गया। देखो मैं भी पहले उस टाइम पे नॉर्मल परिवार की थी, मेरे पापा थे ठीक है, पापा जॉब पे थे, आपके जॉब पे थे फरीदाबाद एस्कॉर्ट कंपनी में थे, बहुत अच्छी जॉब पे थे मेरे पापा, लेकिन क्या करे ना एक दारू की लत इसी हो है कि इंसान का सत्यानाश कर दे है। ठीक है भाई मेरे पापा ड्रिंक कराया करते मैं मानू, लेकिन मेरे पापा की तो गू की भी ओढ़ ना करे ही। जैसा मेरा बाप और जैसी मेरी माँ है ना, मेरा एक भाई है, मेरी माँ अपने पोता पोती पे जी मरी जा है, उन्हें मेरे बाल हमारे एक नाता नातिन की बस एक मोहता हुआ है कि भाई चलिए मेरी बहन के मतलब मेरी लड़की के बच्चे हैं, इतना ही है, गए हैं कि भाई ले चल 150 दे दिए, गए हैं भाई 500 दे दिए, इतना ही होया करे। पर अपने बालकों पर अपने बेटे पे वह इतनी मर है, अगर बेटे ने अगर कुछ दो बात कह भी दी ना तो उन्हें कह दिया करे कि कोई बात ना छो मैं कह दी। पता है लोग कमेंट के करें बेसिकली इतनी स्टोरी होती नहीं तो यार इतना ओड्डा पैर कौन नहीं सुतरा कहते हैं, पावर है। बहुत कहते हैं कि तेरा के कमी है, तू तो अच्छी वीडियो बनावे है। अब यूं थोड़ी ना सुतरे कि मैं है। वीडियो में हर वक्त मैं रोना धोना चालू करूं, वो भी कोई टाइम घड़ी हुआ है ना कि बताने का। अब जैसे अब मेरे पास टाइम था मैंने सारी उगल दी है, अब लोगों के मुंह थोड़ी ना पकड़े जाएंगे। अब बेरा ना के कमे है, जो जड़ते घूमते होंगे वे कहेंगे, जिनने मेरी हकीकत का बेरा है वे थोड़ी ना कहेंगे। अब पूरा गांव पता चल रहा है आपका ने। हाँ सबने बेरा है कि फलाने के घर में भी वो कहानी हो रही है। हाँ। और सबने बेरा कि इनकी छोरी ऊंच से। मैं मेरे दो बेटी है, बहू ना कहे है, आप ना कहे या छोरिया ना छोरिया ना कहे है, सॉरी यूथ है। हाँ। बहुत शरीफ है रही है। हाँ। शरीफ तो वो मैं पहले थी ना जब मैं पिटिया करती, ये तो मैंने भी यूथ बता दे है। हाँ। कहते हैं कि हाँ ये तो किरण का भी जुबान निकल रही है। नहीं मैडम चलो आपका मैं रहकर 2 दिन का वह कहता हूँ, आप उल्टा हाथ उठा दिया था, हाथ में पकड़ लिया था उनका। कभी भी ऐसा नहीं। एक बात बताओ, मेरे हस्बैंड इतने लंबे तगड़े हैं। हाँ। मैं कितने उसका एक थप्पड़ में मैं तो धरती में पड़ जाऊंगी। हाँ। है आते ये बार भी पकड़े अभी मेरा क्यों मारा है? नहीं कभी बोले आज तक। ये वही बात है, मैं तुम कहती ना मैंने की गलती कर दी, बस बोल ही मत, यो बोल ही मत ना कि मैंने की गलती कर दी, बस तू सब खाए जा, खाए जा ना। मेरी सासू ने कदे नू कही के तू क्यों मार रहा है, घर ते रात वो तो रात जी थे मरवाए गए, हाथ पकड़ के घर ते बाहर काट दिया करते। कदे मेरी सासू नू नहीं कहा करती कि छोरे तू कर के रहा है। रात के टाइम में जिस टाइम पे मैंने नॉलेज भी नहीं थी कि किस तरह बस में जाना है करना है, मैं बाहर बैठी रहा करती। जब मेरी मौसी का जो छोटा लड़का है वो अपनी मम्मी ने बुला के लाता, मेरी मौसी सास आती, जब इन्हें बक के जाती जब मैं अंदर घर में पड़ती। आपकी मौसी सास अब जिंदा है या उनकी? वो तो एक्सपायर हो गई। वो तो अच्छी थी, मतलब वो बहुत अच्छी थी। मैं बताने लग रही उस टाइम पे मेरे परिवार वाले सारे ही अच्छे थे कुड़बे के, जब तक मैं सहन करती रही। हाँ, जिस दिन आवाज उठाई सारे खिलाफ हो गए, सारे खिलाफ हो गए। अब यूं कहे के किरण जैसी बहू है नहीं। वीडियो खातर क्यों काम की? वीडियो खातर भी क्या है? वीडियो खातर तो नुका है, मेरे मुंह पर तो बहुत से ही नुका देंगे। हाँ, अच्छी वीडियो बनावा है हमारे गांव में, चलो कोई तो वीडियो बनावा। हाँ, बहुत अच्छी वीडियो बना। मैंने सुनन ने फिर मिला कि पाछे तो मेरी काट भी करा है कि या तो वीडियो को बना या ये तो वीडियो बनावे है फलाना करा है या तो उड़ा जावे से वीडियो बनाना नु करे। तो हर तरीके के लोग हुआ है,
पर मेरे मुंह पर कब है जब कुछ तो मैं उनका जवाब भी दूं, पीछे पे कब है बोका है बोकन दो। हाँ मतलब इतनी हो लिया आप बोला स्टोरी आप कैसे समझाओ इसका भी मेरे इंदन तो अकल ले जो या मारते बोल चाल छोड़ दो की चाह या सारा ले लो बोल चाल तो जब तक नहीं ले गए थे जब तक मैं सोच रही थी कि चलो कोई बात नहीं रिश्ते अब उनका बोल लोगे या बोल चाल बंद है नहीं अब मैं नहीं रखूंगी आपके ससुर ने भी नहीं रखोगे अब ससुर जी का तो ऐसा है अब नू निबेरा के वो अड़ावगा अक नहीं आओ मानस लो उन्हें छोड़ दे जैसे ले गई थी नहीं एकदम चुपचाप वैसे चुपचाप छोड़ेगी छोड़ के तो देखो वो तो वही बात है अब मेरा तो दिल ही सा है मजबूरी भी होगी और फिर मेरा तो मैं किसी ने नू तड़पता नहीं देख सकती। हाँ मैं नहीं देख सकती किसी या वो माफी मांग लिया के माता गलती हो जो स्टार्टिंग में करया माफ कर दे फिर ना वे गलती मानने की थोड़ी ना है वे इतने साल हो गए उनका घमंड और उनमें जहर इतना भरा पड़ा नहीं बुद्धि के रखत जाएगी आदमी की वो नहीं मांगेगी कभी नहीं मांगेगी। हां तो बस यो है कि अपना हिस्सा ले तो अपना हिस्सा ले जाओ पर हमारा पेंडा छोड़ दो हमारा पेंडा छोड़ दो हमने दो सुख के टूक खा लें दो भाई हमारा भी बच्चे है आगे उन्हें ब्याहने भी है सारे काम हो है ये झमेले होते रहेंगे तो कोई अगला बुझ जाए तो के कहेंगे के इनका तो तीसरे दिन का राग है। हाँ है कि नहीं इब बेटी मैंने अपने मन में यही ठानी के बका बेटी तू पढ़ लिख जब तेरा जी करे ना कि मम्मी अब मुझे शादी करनी है। तीनों बच्चे पढ़ा आपके फिलहाल? हाँ मैंने मेरी एक बेटी तो अभी गई है सिंगापुर भेजी है मैंने पढ़ाई के कोर्स खातर गई है वो मतलब वही पे उसने ना उसका कोरियन का करा था। अच्छा, अच्छा। यहाँ लाजपत नगर से लैंग्वेज का तो उसी के उससे वो ट्रांसलेटर उसी का बेस पे हो गई उसी के बेस पे गई और दो लड़का के करे लड़का मेरा भी कोचिंग ले रहा है यहाँ रमेश नगर 12th कर ली उसने 12th कर ली बेटी मेरी जो बीच वाली है वह बीए कर रही है। आप तो आपके जो हस्बैंड है सही बोले बच्चे अगले भी आप अगले भी देखो सही तो नहीं या कभी 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 नहीं मैं दिल्ली का ही बताऊं सुबह उठते उसकी तो राम गाड़ी शुरू हो जा है। अच्छा। अब वो ये बात है बच्चे सबके ही आजकल फोन में बड़े रहवे हैं अब वो नु सोचे कि जैसी हमारी लाइफ थी ऐसी लाइफ हो तो वो तो हो ही नहीं सकती। मैं समझाती भी इतनी हूँ कि भाई तुम बच्चा की गल इतना वो मत करे करो ऊपर तली मत होया कर दू थोड़ा सा नरमाई बरते कर बच्चे लड़पड़े है लड़पड़े खूब जब सब वो लड़ाई जिसकी आदत हो लड़ाई की वो थोड़ी ना इन्हू देखेगा कि भाई बच्चे है लुगाई है कौन है। लड़ाई चाहिए जो कोई बस लड़ाई चाहिए उसकी शांति उसने दिमाग में मैं तो खैर चुप रहा करूँ मैं बच्चे तय कह करूँ बेटा मत बोलो ये अपना आप शांत हो जाएगा थोड़ी बहुत देर में। हाँ तो आपके हस्बैंड जॉब करो आप क्या काम करो हाउस वाइफ हो? मैं तो हाउस वाइफ हूँ मैं कुछ नहीं करती कुछ भी भाई छोटा मोटा काम बिजनेस कर दियो कुछ भी नहीं मैं बस अभी सूट का ही काम करा है। अभी करा कितने साल हो गए इसने? पहले भी करा था मैंने जब सोशल मीडिया नहीं था मैंने यही अड्डे पे ही दुकान करी थी पर वो उस टाइम पे मैंने इसलिए बंद कर दी थी कि काम की उधार ज्यादा फंस गई थी जो अब तक भी नहीं निकली है मेरी। कितने साल की बात हुई वो? ये मैंने करी थी 2013 या 2014 में करी थी कम से कम और मैंने बंद करी थी 2019 में उधार के कारण मैंने बंद कर दी थी। मैंने कहा मेरे बस की नहीं है ये रोज के झंझट मांगने हाँ। जाओ तो लड़न बाजे है लुगाई हाँ। ले तो चली मतलब ले कितने उधार फंस रही है लगा लो 50,000 तो फंस रही है उन्हें मेरा है या वो एक आदमी मतलब जब गुजर ली ना जीवे है अपनी लाइफ बात है नहीं बहुत अपनी लाइफ स्टाइल में कोई उनका वो नहीं है बच्चे फोन ले रहे हैं खूब आराम से घूम रहे हैं सिर्फ आपके 1,000-2,000 नहीं देने 1,000-2,000 नहीं 8,000-8,000 फंस रहे हैं एक एक पे लड़ाई होली बोल चाल बंद लिमांगण जावे फिर तो भी लड़न बाजे है ना लड़े हैं अरे वो दुकान पे सामान लेना है आपकी नहीं ले। अब किस तरह आ जाएगी हमने बेरा नहीं है कौन किसी लगाई है ये तो उधार रहे बंदे है। हाँ तो कितने इनकम कर लिया होगा महीने की भाई सूटा है दुकान मेरी 50,000 हो जाए 1,00,000 हो जाए भैया किस तरह बतावा एक महीने में वो चीज खरीद सको एक आईफोन खरीद सको एक एंड्रॉइड फोन है नहीं, फेसबुक पे तो अभी मैंने 1 साल से बनाया था तो उस पर थोड़ी अर्निंग होने लगी उस पर भी देखा। अब 4-5 लेडीज हो इंस्टा पर ग्रुप आपका कुछ भी हो 4-5 इकट्ठी पाऊंगी जो ग्रुप है या एक सहयोग है भाई 4-5 ने इकट्ठी बुलाओ है देखो मैं या तो टीम है नहीं, नहीं, मैं आपको सच्चाई बताऊंगी सोशल मीडिया से तो इतना वास्ता रखो बाहर बाहर का घर तक का तो आना जाना मत करो किसी के लिए कोई नहीं आपका जितनी है मेरा पर लेकिन अब घर का नहीं है किसी का भी
पहले था, खूब था, खूब एक लेडीज भी सी नहीं जिसका है। मैं घर अब किसी को नहीं बुलाती, घर चाहे मेरी कितनी खास हो मैं घर नहीं बुलाती। ये उनके लिए लड़ाई होगी सब गले, क्योंकि घर बुला के अपने हे दो भेद दो, फिर बाद हाँ, में जरा हाँ, तू हाँ, तू हाँ। मैं वो है तो सीधा फिर करेक्टर पे उंगली उठाना है। हाँ, कि तो इसी है। हाँ। अपुल वही है चीज। मेरे साथ तो एक बार नहीं, मेरे साथ दो बार हो रही है ऐसी। मतलब मैं बताती हूँ, सोशल मीडिया की फ्रेंड वही आपकी फ्रेंड उनके साथ ही। हाँ, मैं अब क्या नाम लूँ, ऐसी ऐसी भी है कि जिनने मतलब यूट्यूब हुआ कुछ भी हुआ उन्हें मैं हर चीज़ बताया करती कि भाई तुम ये कर लो, ऐसे करो एडिटिंग, क्योंकि मेरा बेटा इन चीज़ों में ज़्यादा माहिर है तो आ जाया करती, मैं बता दिया करती। आज मन ही वे इनू कहे हैं कि या तो फेमस होने खातर, जिसमें कि उस टाइम पे उनके फॉलोवर कुछ नहीं थे, हाँ, उन्हें मतलब आप लेट आए हो। जाने कोई नहीं करता, मैं लेट नहीं आई, मेरी एक आईडी बंद भी होगी सोशल मीडिया से ही। कुछ है जिनने मेरी आईडी बंद करवाई थी, जिन मुझे पता भी लग गया, नाम भी पता चल गया। हाँ, हाँ। कौन थी वो? नाम नहीं लूंगी, चलो मैं नाम दे दूँ, तीन नाम ले, मत एक नाम है, नहीं नाम है? किसी का मतलब ना खामा खाड़ कलेस हो जाएगा। तीन दिन में एक मिलेगी? नहीं, रहने दो, जो देख रही होगी ना वे खुद समझ जाएंगी। हाँ। जिनने मेरी आईडी बंद करवाई है, देखो आईडी बंद करवाने तो कुछ नहीं होता, हमारी किस्मत में जो होगा वो हमने। आपने कहाँ तक पता चला? हाँ, वो लेडी जिसने बंद किसी के कराई, थ्रू पता चला है, और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी आई थी कि भाई मना करवाई। मना करवाई है, मैंने भी इसी को उड़ाया है सोशल मीडिया अच्छा। से। अरे तू सोशल मीडिया से उड़ा लेगी, दुनिया से थोड़ी उड़ा देगी। मैंने फोन किया तो ऐसा क्यों कराया? मना नहीं करा मैं, मगर भाड़ मैं छीक ली। सच बताओ ना, शो यो वीडियो भी अपनी खुशी खातर बनावा है, वीडियो बनाकर अपनी वीडियो ना 10 बार देख ले, इससे बड़ी खुशी की है? हाँ, मतलब वीडियो बनाओ हो, मतलब के मानो आप सुंदर हो, इस वजह से लगा टैलेंट आपके अंदर। टैलेंट लगा लो, सुंदर तो दुनिया में भरी पड़ी है, टैलेंट लगा स्लो लो। मोशन चले, स्लो मोशन का क्या टैलेंट है? स्लो मोशन तो मैं बहुत कम बना हूँ, ज्यादा तो भाई कॉमेडी की रह, मेरी खुद की वॉइस रह है, ये बनाया तुमने। मतलब कोई डायलॉग आने दो जो आज तक नहीं बनाया है। चलो बनाया तो लिया, मैं डायलिया नहीं अभी तक। नहीं बनाया तो बनाया था, और मेरा वायरल भी बहुत हुआ था, जिन पर प्रांजल दहिया ने भी वीडियो बनाई थी, जो बड़े बड़े क्रिएटर थे टिकटॉक के टाइम पे, उन्होंने बनाई थी। ये बनाई थी कि मेरे बेटा ये बोल रहा था कि मम्मी देखो अखबार में क्या आ रहा है, मैं क्या आ रहा है, क्या था, लैला था नहीं, पत्नी फेंको लैला ठालो। हाँ। और मैं कह रही हूँ कि बावली बूच यो ना था, पन्नी फेंको थैला ठालो। हाँ। ये डायलॉग भी बहुत वायरल हुआ था। और एक और हुआ था, वो मेरा कुछ याद नहीं है, काफी टाइम की बात होगी, माँ का लोग रिचार्ज करवा वैसे। अच्छा, हाँ, 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 एक ये डायलॉग था। तो ये 2-4 डायलॉग थे जो बहुत फेमस हुए थे, बड़े बड़े क्रिएटर ने भी बनाई थी। और मैं तो इस चीज ना मानती को ना कि सोशल मीडिया पर हम वीडियो बना रहे हैं कि हमारा इससे थे सब कुछ घर चल रहा है, भाई नौकरी भी है सब कुछ है हम, ठीक है। बहुत से नुकादे हैं, ओ सोशल मीडिया पे है सूटा के मारा नुकर है सब खाना। हाँ। नहीं सोशल मीडिया नहीं था, हमके उगाड़े आन रहे थे, हमके सूट नहीं पहन रहे थे, पहले भी थे चीज, पहले भी थे, पहले भी बढ़िया पहन रहा करते। तो सोच हम किसी की बदल नहीं सकते। अब बंद कब करो इंस्टाग्राम है, बंद कब करो दोबारा? बिल्कुल भी बंद नहीं करूंगी भाई, मैंने तो इतना शौक है बहुत गणा, स्कूल टाइम से इतना शौक है कि हम कोई भी स्टेज जो हमारा स्कूल में फंक्शन होता था हम कभी नहीं छोड़ते थे, दामन पैर के साड़ी पैर के सबसे आगे आया करते। आपका दो सिस्टर सभी ऐसी के भाई इतनी एज सारी ऐसी है, सारी हमारा परिवार मैं बताती हूँ, हमारा जो माई का आशीर्वाद मिले आपका परिवार में, परिवार हमारा इतना अच्छा है। मेरी दादी भी ऐसी थी, मम्मी भी, पापा भी मेरे इतने थे चुलबुले से, मतलब खुश रहना सब ना देख के माथे में तोड़ी ना गिरना, यो परिवार ऐसा मिला था जड़ कुकड़ा सा जड़त खोरा सा के सब ना देख के माथे में तोड़ी गिरनी, ठीक है। मैं ही ऐसी आई थी कि जो थोड़ा सा अब जो भाई मेरे हस्बैंड में ना गुलाब है हो गया वो काम, वो काम था लेने देने के ऊपर, उल्हाने ताने ये सब चीज तो बहुत फेस करी है, बहुत कह दे है कि भाई वीडियो बनावा या तो बहुत खुश है, लेकिन जो हमने फेस करी है ना वो हमने ही बेरा है। फैमिली के संस्कार ही लगा लो, क्योंकि हमने ना तो अपनी चाची ताईया दादी के आगे हमने कदे तू नहीं बोलिया। हाँ। कभी भी हमने तू करके आवाज नहीं उठाई के तू। हाँ। सीधा हमने आप करके बात कराया करते, सारी चीज यही थी बस।
ये चलो मैम, मेरा आखिरी लास्ट क्वेश्चन है। अब आपकी भी एज चलो ठीक है, बढ़िया है, अच्छी हो रही है, आपकी ननद की तो आप तो बड़ी है ही, अब भी नहीं होता भाई चलो यार उस टाइम पर, चलो जवान थे कुछ हो लिया जा लिया, अब तो कर दो हो लिया यार, एक बुद्धि आ जाए कर दो भाई। मैं बताती हूँ ना उसका भी, जब मेरी सास मरण तक मर गई, उसका उसकी मरोड़ नहीं लिकड़ी, हाँ, तो छोरी आगे क्यों कर मरोड़ लिकट जाएगी। हाँ एक बात बताओ ना, छोरी भी तो उससे की है, उसकी मरोड़ लिकट, यो मैं जो है ना, यो मैं ही तो लेकर डूबा है। मैं भाई तो, एक तो भाई पोता पोती भी हो लिए, मेरा बेटा ही बहर गया, अब तो छोड़ दो, किस खातर लालच करो। उन भाई की जरूरत नहीं है ना, पाटड़े पे खड़े कर लेगी किराए के लाके। मतलब कितने रह रहे आपके बात भरने फिलहाल? अब 3 भरोगे या नहीं भरते आप? अब ये सिचुएशन आपने दिख रही है बात भरण की, बेटे समझाते उन्हें है? बेटे तो कोई नहीं मामा मामी गला, आप गला बात तो कोई नहीं सम, मेरे ही मैं बताऊं, वो नानी ने वह छोरी रोवे थी जो मेरी ननद की है, वह रोवे थी, खूब रोवे थी, मगर बेटी तू नानी ने ना रोती, तू रुपये ने रोवे है जो नानी बिना मांगे दिया करती, वह भी रुपया खाता है। हाँ नू कहा करती नानी मन फोन चाहिए, मेरा फोन टूट रहा है, हाँ नानी फट देसी। चैन एक बात बताओ, जब मेरे ससुर रिटायर आए थे 2005 में, सबकी चेन बनवाई, मेरी फूफस की, मेरी सास की, मेरा तो इन्हें पहले ही तार लिया था जो सोना चढ़ाया था, मैंने ये सोची थी चलो भाई सास की बन रही है, सास पैर है बहू पैर है, मेरे दिमाग में यू आई थी कोई बात नहीं। एक महीने पीछे मेरी सास ने मेरी ननद के छोरे का चैन दे दी, के मतलब उसके पोता पोती नहीं थे, आप बहू नहीं थी, कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं लाए थे। आप तो दुश्मन थे भाई, दुश्मन का कुछ नहीं लेना इसका तो। सही बताओ ना, मेरी बड़ी ननद तो इतनी चौधरण थी, जब मेरा छोरा होया और जब पीढ़िया आया, ये लगा लो कि जो मान के पैसे दे के जाए ना, बच्चे के हाथ में दे के जाए, नू गोदड़े ना नू गाड़ के देती कि कहीं एक रुपया तो नहीं रह गया। मैं बताना नहीं चाहती थी सोशल मीडिया में, पर इतनी घटिया हो ना तुम, इतनी घटिया हो, भगवान करे इसी ननद किस्से का भी ना हो, मन है भाई बहन की, सबकी लड़ाई हो, हमारी भी हो है, हमारी भी खूब हो है, पर अनु चाहे अगर हमारा भाई सब तक बढ़िया, सब तक ऊपर हो, इसके किसी चीज की कमी ना हो, कदे दुख नहीं आवे, क्योंकि भाई और बाप माँ जैसी कोई चीज नहीं होती इस धरती पे, और तुम आज तुम इतना घमंड दिखा रहे हो ना, आने वाले टाइम पे तुम पछताओगी। हमने अपना पूरा दम लगाया था मनाण में कि कोई बात ना भाई, पिछली बात तने छोड़ो, पर जब तुमने ये काम करा है ना, तुम्हारा तो कति भर गया, तुम मैं तुम कहूँ तुम तीसरा हिस्सा के तुम सारा भी ले लोगे ना, तो यादवीर की फैमिली भूखी नहीं मरे, नहीं हम भूखे मरे। हाँ। वो ऊपर वाला है जो सपोर्ट करे, मतलब सच्चे होता भी आपने भी सोशल मीडिया पर बातें गई है, बस बिल्कुल नहीं, कौन कह है, कौन कब है, एक बात बताओ अपने परिवार की, कोई कहेगा? हाँ। सबने मेरा है गांव में सबने के भाई इनकी छोरी इतनी ऊंच। हाँ तो ये बात भी बताओ इस चीज में, अब मैं दुखामती कहूंगा कि नहीं कहूंगा, पब्लिक आई ना हो अपने आप बता दे भाई कौन सही है कौन गलत, कौन सही है। आप अच्छे हो, आपका लग बहुत अच्छा होगा, तो लास्ट में क्या कहना चाहोगे जो आपने प्यार करा? चलो आप गुस्सा होगे, गुस्सा ना हो, स्माइल अच्छी लगा आपका फेस पे, स्माइल तो अच्छी लग गया है, वही बात है ना, बहुत अच्छी भी ना लगती स्माइल भी, किसे किसे ने अच्छी लग गया है, मेरी तो वही बात है, जिस गाड़ में लिकड़ू मेरी तो परछाई तक भी दुनिया नफरत करा है, बहुत सही से है। हाँ मतलब आपने शॉप पर रखी है, कितने तक के सूट रखो शॉप पे? शॉप पे 2200 2300 हाँ 2200 2300 मिनिमम 3200 मिनिमम मिनिमम 650 ना 650 तक है बस। आप कितना तक के पा रहे हो? मैं 1800 तक के। मैक्सिमम कितना तक का पा रहे आज तक का हमारे हस्बैंड में? अब तो इतना का 2-5-7 साल 4000 का 5000 का 6000 का 1800-2000 तक बस, इतना उससे ऊपर तो नहीं, उससे ऊपर फिर महंगी साड़ी हो जाए, लहंगे हो जाए, ये हो जाए। हाँ नहीं आप प्रमोशन में भी देखियो, जाओ सूटा है उस पर क्या करया करो, कितना तक का सूट लिया करो उस पर, या तो दे दियो ठीक है। नहीं बहुत से अपने उससे भी दे देते हैं, बहुत से चलो आपकी सूटों की दुकान है। हाँ। वो सूट दे पता लग जाए भाई इतना तक का है। हाँ। कितना तक का दे नॉर्मली? 1500-1600 तक का दे दे। हाँ बस इतना ही। हाँ 1800 और फिर वो जो हमारा आने जाने का किराया हो है वो भी कर दे हैं। हाँ। देखो जो नजदीक चल रहा अच्छा चल रहा है, जो नजदीक का होगा जैसे नजफगढ़ के आसपास का, उसमें तो भाई देखो हमारा इतना वो लगता नहीं है, बाकी जो दूर का हो है उसमें हम भाई कह दे हैं कि भाई हमारा कैब का लगेगा नहीं लगेगा। आप किस क्रिएटर के लिए बातचीत आपकी? मेरी इनसे है जैसे कृष्णा देवी से है। आपकी आंटी? आंटी है, बुआ लगती है क्योंकि अच्छा, वो डागर गोद की है ना। अच्छा हाँ, हाँ, तो मैं तो न बुआ ही का आगर हूँ। ज्यादा तो खैर मेरी अब किसी से भी नहीं है, सही बताऊ मैं।
सेक्रेटरी कोई नहीं जिसके हफ्तम बात हो जाए, एक बार तो जो है नहीं मेरी नहीं होती, मैसेज में हो जाए, हाय हेलो में हो जाए, हाय हेलो वही बात है, वीडियो से सब कुछ पता लग जाता है कि भाई कहाँ की वीडियो बन रही है कि नहीं। जियो मैटर है इसमें तो आया होगा फोन किसी का, के बात होगी। आए हैं बहुत आए हैं मेरी जो अभी जो थोड़ी सी भाई जिन फॉलोइंग में है मेरी उनके आए हैं, उन्होंने बोला है कि दीदी हमने ये रिकॉर्डिंग सुन के पता लगा लिया कि भाई आपने कितना फेस किया है। मैंने बोला मैं इनकी भाई हर कोई मेरे को गलत बता देता कि विशी यू है। अब एक बात बताओ लेडीज की जात है भाई, एक दूसरे से बात करेंगे, मैं उससे करूंगी वह उससे करेगी, एक दूसरे के मुंह से लिकड़ती है बात, हाँ। लिकड़ती है ना। अब उस चीज को अगर तुम इतना बढ़ावा दो, हाय विशि ने तो ये बोल दिया ये बोल दिया, हाँ। भाई अगर मान लो मैंने कुछ एक बात बोल दी तो दो तो तुमने भी बोली होगी, हाँ। एक बात बताओ भाई, तू तो मुंह पर आंगली रख के बैठी नहीं होगी है, बस बात फर्क ये हो जाए कि तुम गैंग बना लो, विशि अपना अकेली है, मने कोई किसी की जरूरत ही नहीं है, हाँ। और मने गैंग में रहना भी नहीं, रह के भी खूब देख लिया कुछ हासिल ना होया, हाँ, आपका ग्रुप था ना उस टाइम पर, हाँ था ग्रुप था बहुत, हाँ। था, अब वो ये बात है ना जो जब कह अगर है ठोकर ला ला क्या कलाया करे, सब कुछ पीछे छूट जा रहा है, हाँ। तो लास्ट में क्या कहना चाहूंगा मैम, जाते जाते जो अपना प्यार करे हैं, बस मैं यूं कहना चाहूंगी जिसने भी मेरी ये वीडियो देखी है सबके ये कमेंट आए हैं कि हाँ दीदी आपने हम जाना है आप बहुत अच्छे हो, हाँ। क्योंकि बेरा ही पार जाए इंसान का भाई इसका नेचर कैसा बातों है से पता चल बातों से ही पता चल जा है। फेस मेरा ऐसा है कि जैसे भाई मैं बहुत छोली हूँ पर मेरा हाँ, 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 लग है ना जैसे मैं हाँ, फेस मेरा मैं बहुत छो मेरा हूँ, बाकी मेरा ऐसा नेचर है नहीं कि मैं किसी की आत्मा सताऊं, क्योंकि मैंने कदे सेवा करने की अपनी सास ससुर की कदी नहीं नाटी थी, मैंने हमेशा नहीं कही थी कि हाँ करवाऊंगी, लेकिन उन पर कभी करवानी ही नहीं आई, ठीक है अगर वो अच्छी तरह मेरे से करवाते अपना मानते मेरे बच्चा ने मन ने, मैं तो चलो भाड़ में गई, लेकिन पोता पोती में तो मोहता होना चाहिए, क्या करे मूल तो प्यारा ब्याज होया, हाँ, लेकिन वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। मैं यूं कहूँ कि इसे सास ससुर और इसी ननद किसे को भी ना दे भगवान। नहीं जो आपके फैन उन्हें क्या कहना चाहोगे? फैन को तो यही कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा लगता है जब अच्छे अच्छे कमेंट आवे हैं और भाई मेरा साथ दिया है जिन्होंने, और ऐसे ही प्यार बनाए रखना, और सब ये कहते थे कि भाई आपकी लाइफ का जानना है हमने क्या है आपकी लाइफ के बारे में, तो भाई मेरी लाइफ ये है मैंने कति खोल कर दर दी है। सबसे बड़ी बात है कि अपनी बेटियों को शादी करने की बजाय कामयाब करो अपने पैरों पे खड़ी, ये तो मैं वीडियो बनाई रखी है, हाँ, हाँ, कि भाई देखो शादी करो है, हमने सोचा कि 10-15 लाख 20-20 लाख लाग जाए, हाँ, हाँ। वो ही रुपया अपनी छोरी ने तुम उससे भी कम लाग जाए, एजुकेशन पर लगाओ अपने पैरों पे खड़े हो, हाँ। खड़ी हो जाए तो उस बत्ती के बात होगी, हाँ। तो मेरा तो यही मानना है, हर चीज का ज्ञान दो, मेरे तो बहुत कह गए हैं परिवार में जिस तरह मेरे बच्चे रहे ना ऐसे किसी के नहीं रहते बिल्कुल, मतलब खुले विचारों के ना, मैं कभी रोकड़ा टोकड़ा एज ए फ्रेंड एज ए फ्रेंड बिल्कुल, कपड़ों के मामले में जज करे हैं गांव में करते हैं कुड़बे में करते हैं, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कही, शॉर्ट पहनो साड़ी पहनो जींस पहनो जींस पहनो कुछ, मैं सही बताऊं ना जिस परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ ना उस मेरे परिवार में मेरे जो दादा दादी थे ना आंख में काजल क्या नेल पेंट क्या, जींस तो सपने में भी नहीं थी कि हम जींस पहन ले, नेल पेंट ही लगाने दिया, नेल पेंट भी नहीं लगाने दिया करते, आप अपने सबने या पुतिन की तीन सिस्टर आपकी सबको मेरे मेरे को नहीं सबको, और मेरी शादी थोड़ी मतलब 16 साल की हुई थी, सबकी 20 से पहले पहले हो रही है, किसी की 18 की किसी की 19 की, दो सिस्टर उनकी भी उनकी, अच्छा मेरे जैसे चाचा की लड़की है उनकी भी 18-19, मतलब पूरा कुटुंब जितनी भी लड़कियां थी आपकी सिस्टर जितनी सबकी हो रही है, सबकी ऐसी हो रही है, जो मेरे दादा दादी थे भाई मैं न कहूं इसे दादा दादी भगवान सबने दे, मेरी दादी तो इतनी अच्छी थी कि हमने काटा भी चुभ्या करता ना तो उसका दर्द होया करता, मैं रुपया मैंने अभी मैंने पहले भी ये कही थी कि रुपया कुछ नहीं होता एक मोता हुआ है, हम अपनी दादी ने आज तक रो है, और मेरा भाई इतनी बहुत अच्छी इतनी अच्छी थी मेरी दादी की, इतना मोता था कि मेरा कुछ हो जाता ना यहाँ जैसा मार पिटाई मैं जाती तो उन्हें कहती तू बैठी रह तू कुछ मत करे, देखे मेरी बच्ची के हाथ कैसे हो गए, देखे मेरी बच्ची के पैर कैसे हो गए, यूं रोया करती, तो यो हुआ है मोता कह दे हाँ कि इसकी दादी होती, मेरी दादी हमने बेरा ना हमारी दादी किसी थी, हाँ वो तो आपके आंसू आते पता चला भाई कितनी अच्छी थी, दुख तो वही बात है दुख आंसू होते पता चल है किसी की स्माइल का पता नहीं चलता, इंसान से ले जाओ सिर्फ उसकी यादें रह जी लास्ट में, तो कहीं बाप की वीडियो आ जा दादी की वीडियो आ जा, हमने बहुत दुख है अपने बाप का कि
आज अगर हमारा बाप खड़ा होता तो आज इतनी नौबत थोड़ी ना आती। हाँ, क्योंकि बाप का साथ तो बहुत कुछ हुआ है। बाप अपने बच्चे ने दुख में थोड़ी ना देख सके है। एक माँ, ये माँ है मेरी, अनपढ़ है, वह कितना कमा रहा है वो कर देगी। हाँ। कितना कमा रहा वो साथ दे देगी, ये बताओ। इसलिए मैं इमोशनल ना हूँ। आप अच्छे होते, आपको सब कुछ अच्छा होगा। मतलब जो बीत गया वो बीत गया, बीत गया, लेकिन वो बीतन तो नहीं देते ना, बीतन नहीं देते ना। यो बुरा टाइम था, अब यही रिपीट होता जा रहा है, होता जा रहा है। मैं यही सोचूं कि पता नहीं मेरी किस्मत में यही सब लिखा है कि हम, मैं चाहे कितना ही किसी का अच्छा कर लूं पर अच्छा होता ही नहीं। मतलब मेरे लात लग गए, लग गए है घर के, खुद अपने घर के ऐसे हैं, कुणबे के भी देख कर उनके भी संवारना है कि भाई क्यूकर इनका अच्छा तरह खा रहे है, कमा रहे हैं। अगर साथ होते ना तो वे बोलते। हाँ। मानो ये बोलते हैं कि भाई तू तुम ऐसे ले किस तरह जा रहे हो, तुम वे चार पांच जने आए थे और मैं अकेली थी, मेरा बेटा भी साइड में खड़ा होकर देख रहा था, मेरी बेटी भी साइड में खड़ी होकर देख रही थी। वो तो आपने वीडियो में बता रखा है सारी स्टोरी, हमने देखी, वीडियो भी देखी थी, क्लिप भी देखी देखी थी ना। हाँ। तो उनके घर के बाहर ये सब कुछ ड्रामा हो रहा था, कैसे धक्का मार कलेजी है, है? फिर उनने बोलना था ना। हाँ। बड़े सियाने हैं मेरे, एज में भी बड़े हैं वे, उनने एक बार मुंह कहनी चाहिए थी कि तुम ताऊ ने नहीं लेके जाओगे, बैठ के बतलाओगे। ये बात हो है ना, आजकल कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं है। मैंने ये चीज देख ली, अपने हक की लड़ाई लुगाई ना खुद लड़नी पड़ा है, चाहे उसमें चाहे सास ससुर हो, ननद हो, आदमी हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी हो, कोई भी हो। और इतने ही सब साथ दे रहे हैं, जब तक वे पिटती रहे बिचारी बनकर अवे बोल रहे नहीं, सब ना अच्छी लागेगी। जब नू दिखेगा ना कि भाई अच्छा उड़ रही है, पैर रही है, जब तेन कहेंगे ये बड़ी ऊंच से है। तो आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत बड़े हो, इतना कुछ हो, लेकिन इतना कुछ सहन करे आपने, फिर भी फेस पर समय ले रहा है आपका, इस तरह पता चला आप भी कितने बड़े हो, फैमिली कितनी अच्छी है, आपके संस्कार कितने अच्छे हैं। बच्चे तो मना कर देते हैं कि मम्मी ऐसी वीडियो मत बनाया करो, अच्छा नहीं लगता, पर जब भर जा है ना भीतरला, हाँ, तो बनानी पड़ा है, क्योंकि जो ये हमारे फैंस है, हमारी अच्छी वीडियो देखे, हमारे हमारी फैमिली के बारे में भी पता चलना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, एक माइंड फ्रेश हो जाए वीडियो बना के। एक हाँ, और क्या जाने ही कहा दिया था इन्होंने, इतने वो थे तो मेरी छोरी, मेरे छोरी अगस्त में हुई थी, दिसंबर में मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, और मेरा भाई उस टाइम पे ऐसे ही था 16 साल का, मतलब बालक था उस टाइम पे, बालक था, और बस का सफर था। मेरा भाई हर महीने आता लेने, लेकिन ये कहते हैं को ना घालू को ना घालू, ये मेरी छोरी आएगी, ये मेरे नूह हो रहा है, फलाना हो रहा, मतलब हर महीने मेरा भाई ऐसा जाता। और वहाँ मेरा बाप फोन तो हुआ नहीं करते, मेरा बाप बाट देखा करता कि मेरी देवती आएगी। आपके पापा की डेथ हुई तब भी नहीं जान दिया, तब भी नहीं जान दिया था, दाग बजा कर बेटी। मैं बताती हूँ उसकी भी बात, जब भी नहीं जान दिया था। मेरी जो सास है अपनी ननद की लड़की को रख रही थी यहाँ पे, मेरी बेटी भी थी यहाँ पे रख रही थी, मेरे फोन आ रहे थे धड़ाधड़ पड़ोस में कि भाई इसके पापा एक्सपायर हो गए यार, इसने भेज दो। मेरी सास हर किसी से बोल रही है झूठ बोल रहा से, झूठ बोल कर बुलावे से, अच्छा हाँ। झूठ बोल कर बुलावे से। जब मेरी मैं सुरसराहट तो हो गई थी मेरे कानों में, मैं अपनी मौसस के घर में बढ़ गई थी, रास्ते में ही था। मेरी मौसस ये बोली, मौसी सास, कि तू नो कर कपड़े बदल, क्योंकि उस टाइम पे गोबर कूड़े में मेरी ऐसी हालत हो जाया करती, मुझे ओढ़ने पहनने मतलब काम रखा कर दिया सारा दिन। तो मेरी सास ने कह दी थी जा गोबर गिर का पहले, फिर जान दूंगी, फिर जान दूंगी। और आपके पापा की डेथ हो रही है, पापा की डेथ हो रही है, और मुझे कोई नहीं, कुछ नहीं पता। मैं बढ़ गई अपनी मौसी के, मौसी ने नू कही कि जा तेरा पापा बीमार हो रहा है, तू लत्ते बदल के और बैठ ले। उस टाइम पे भी मेरे साथ कोई लेडीज नहीं गई थी, अकेली अपनी छोरी ने लेके, ये जो मेरे पीतस रे ताएस रे ये मेरे साथ गए थे। मैं वहां जब पहुंच भी गई ना, मुझे जब भी कोई एहसास नहीं था कि मेरे पापा एक्सपायर हो गए, मुझे जब भी एहसास नहीं हुआ था कि मेरे पापा खत्म हो गए। मैंने अपने पापा के साथ कितने पल बिताए, इस बात का मुझे दुख है कि लास्ट टाइम तक भी मेरे बाप ने मिलन नहीं दिया इन्होंने। वहां जाके बॉडी आई नहीं थी मेरे पापा की, एक्सीडेंट केस था। तो जब मेरी बहन मेरे लिपट कर रोई ना कि
सोनू पापा नहीं है। जब मैं वहां जाके भी मुझे यूं था कि मेरे शायद दादा बुढ़े हैं, वो एक्सपायर होंगे, मेरे मन में दूर दूर तक भी नहीं था कि पापा को लेकर नहीं था, पापा को लेकर नहीं था। भीड़ इकट्ठी हो रही थी, लुगाई इकट्ठी हो रही थी वहां उस टाइम पे। जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे तो मेरे हस्बैंड ने और मेरे ससुर ने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी उस टाइम पे कि मार तक गलती होगी। कितना बड़ा वो हो गया था। लेकिन फिर वे ढाके पास इनके तीन ये वो ही जिंदगी पे दोबारा वे बोली ताने मार पिटाई वो ही। तो यहाँ के बहुत से इंसानों कह दे हैं के न्यू, लेकिन मेरे तो पूछ कर देखो जो मेरे जी पर बीती है, जो मैंने झेला है एक छोटी उम्र में। क्या उम्र थी? 16 साल की का मेरा ब्याह हुआ था, 18 साल की में मेरे छोरी हो गई थी। मैम सो जो बीत गया, अब तो आप जो आगे वाला टाइम है वो आपके लिए अच्छा होगा। पता नहीं कब आओगे, क्योंकि आपको बच्चे हो गए ना। बच्चे हो गए, बच्चों से ही उम्मीद है। हाँ। कि मैं तो कह करूँ मगा बेटा पढ़ जाओ लिख जाओ, मगर दुनिया की टेंशन मत लिया करो। हाँ। कौन के कह रहा है, कौन नहीं के कह रहा है, क्योंकि आपके लड़के लड़कियां बहुत अच्छी हैं। बस मुझे मैं सही बताऊं ना, मेरे हस्बैंड से भी लड़ाई हो जाना तो मैं तो कह दिया करूं मगा ईसा है, अगर तू भी अपने बाप की तरह करेगा ना तो मगा मैं तो तेरे तक अलग रह के मैं अपने बड़का में रहूंगी, फिर छोरे में रहूंगी, मैं तना छोड़ दूंगी मैं बुढ़ापे में। ये अभी चलो बीत गया, जो दौर था वो चला गया, अब आपके बच्चों के साथ अच्छे तरीके से रहो। बस मैं तो चलो जो होगा अपना हिस्सा लेगी ना लेगी वो तो बाद की बात है। हिस्सा देखो मैंने बार बार यही बोला है कि पैसा मैटर नहीं करता। हाँ, इंसान इंसान का नेचर ये सब चीज मैटर करती है। इंसान इंसान का काम आवे है। हाँ, तो सबने मेरा है कि वे कितनी तेज है कितनी नहीं, और मैं कितनी तेज थी अग नहीं थी। हाँ, अगर आप बुरे होंगे तो ऐसे खुल्लम कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता, सब दबा कर रखा अपनी बातों ने। बस यो ये है मेरी कहानी, सब ने बहुत उत्सुक थे कि विशी मुझे कमेंट आए करते विशी अपनी स्टोरी बताओ, तो भाई यही मेरी स्टोरी है। सब ने लग गया घर घर की स्टोरी है, घर घर की स्टोरी है, कोई बता दे है कोई लगो दे है। तो भाई यो जो कदम मैंने उठाया है ना, बहुत सी उसका भाना का मैसेज आ रहा है कि भाई मेरे साथ भी यही आ रहा है, मेरे साथ भी यही हो रहा है। तो भाई अपने आवाज उठाओ, मैं जिस तरह मन ने उठाई है नू मत सोचो कि हिस्सा ले जाऊंगी ईसिया था, तो रास्ता एक अपना कन्नी है काट लो वो बढ़िया है, सारी उम्र के दुख था तो पैसा देकर उन्हें कासा कर दो, अच्छा तो सब तो बढ़िया है, जिंदगी तो सुखी रहोगी। जिन्हें रिश्ते नाते परिवार नहीं चाहिए तो उनका अपना ना पैसा दे और एक कासा करो एक। तो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत अच्छा लगा, ऐसे रहना खेलते, दुख तो सबके लाइफ मान दे रहा है, जो ना फेस कर ले सबसे बड़ा इंसान वही हुआ है। बिल्कुल जी। तो ऐसे ही रहना हमेशा। तो थैंक यू गाइस आपका पूरी वीडियो देखने खातर, वीडियो का कौन सा पार्ट वीडियो लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तो इजाजत, जय हरियाणा जय हरियाणा।